हेलो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, मैंने जो है उसको माइक को म्यूट करके रखा था। आज एक चेस बस इंडिया का न्यू अकाउंट बन गया है, तो सभी लोग जो है उसी पे चैलेंज कीजिएगा। थोड़ी देर बाद मैं लिंक वहाँ पर दे दूंगा जब हमारा ये ख़त्म हो जाएगा। आज हम लोगों को जो है 1000 रेटिंग दिख रही है यहाँ पर, क्योंकि न्यू अकाउंट बनाया हुआ है और इसको करना है 2300। ये हम लोग का टारगेट है, तो आप लोग आंसर बताइएगा। चूंकि आज पजल है, सो वी कैन चैट टू मच, बहुत सारी चैटिंग हम लोग कर सकते हैं। और संडे का जो पजल, सॉरी, संडे का जो सब्सक्राइबर बैटल होने वाला है हमारा चेस खड़कपुर के साथ, उसमें जो है सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। चलिए तो शुरू शुरू करते हैं हम लोग। पहली पजल से आंसर देना शुरू कीजिए। हु इज देयर कैन सेंड मी द आंसर। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट जेएसके चेस स्ट्रीमर। आई एम म्यूट। परफेक्ट सर, योर वॉइस इज, थैंक यू वेरी मच परफेक्ट फॉर इन्फॉर्मिंग मी। थोड़ी देर में भेजता हूँ, पहले इस पजल्स को जो है मेरी रेटिंग 2300 करवाइए इसमें जल्दी से, और फिर मैं आप लोगों को न्यू आईडी भेजता हूँ और आज चैलेंजेस वहीं लिए जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू कीजिए। और अब ये न्यू अकाउंट बन गया है, सो इस पे हम लोग जो है रेटेड भी खेल पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, चलिए अकाउंट, चलिए शुरू कर लेते हैं, हम ही शुरू कर लेते हैं, कोई नहीं कर रहा तो। चलिए क्या बात है, देखो जीएसके चेस स्टीमर ने ढूंढ भी लिया क्या है मेरा नया अकाउंट। बहुत स्मार्ट है ये। चलिए हम लोग शुरू करते हैं और पहली पजल को ख़त्म करते हैं जल्दी से, और देखते हैं कितनी रेटिंग हमारी बढ़ी। 203 पॉइंट हमारी जो है पहली रेटिंग में बढ़ गई। मुझे लग रहा है कि 2300 लगता है बहुत ही जल्दी हो जाएगा। सौरभ वेलकम, क्वीन एवन। हाँ, यही मैं चाहता हूँ कि आप लोग आंसर कीजिए ताकि मज़ा आए। और गाने का साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये भी बता दीजिए। मैंने इसमें एक वो लगाया हुआ है, ट्यून लगाई हुई है, उसका साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मेरे ख्याल से नहीं आ रहा होगा, तो मैं उसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, शायद वो काफ़ी कम है। अभी आ रहा है क्या? चलिए नई पजल का आंसर भी बताइए, मेरे ख्याल से अब आने लगेगा। चलिए शुरू करते हैं, और यहाँ पर है वाइट टू प्ले। सो इसमें मुझे लग रहा है कि हमारा 2300 रेटिंग तो एक झटके में ही हो जाएगा क्या? ये 67 पॉइंट। अरे मुझे लगा कि इसमें भी 200 पॉइंट बढ़ेंगे, 200 200, 6-7 पजल में ही हमारा काम खत्म हो जाएगा। चलिए ठीक है, सो यहाँ पर जो है पहली बार आई थिंक मैट इन टू आ गया है, वाइट टू प्ले आ गया है। चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है, क्यों क्यों नहीं आ रहा है? अरे यहाँ तो साउंड तो बज रहा है, ट्राई करता हूँ, ट्राई करता हूँ, ट्राई करता हूँ, नया साउंड ट्राई करता हूँ। अभी आ रहा है क्या? अभी आ रहा है क्या साउंड? आ रहा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मेरे ख्याल से साउंड ठीक ही होगा। चलिए रेटिंग बढ़ाने का प्रोसेस शुरू करते हैं, और फटाफट से कर देते हैं भैया, जल्दी से इसका आंसर बताओ। सौरभ, जेएसके चेस स्ट्रीमर कौन कौन आ गया मैंने देखा ही नहीं। संजना अग्रवाल जी आ गई हैं, और जेएसके चेस स्ट्रीमर तो भैया पूरा ब्लू ही ब्लू दिखता है। आप लोग आपस में ही चैट करते रहते हो, आपस में चैट नहीं करना है, जो बाकी व्यूवर्स हैं उनकी क्वेरी सॉल्व करनी है। थोड़े बच्चे से बड़े हो जाओ, अभी बच्चों वाले काम हो रहे हैं यहाँ पे। क्वीन A6, नाइट C6, वेरी गुड। देखो यही हमें करना है, इसके लिए आप लोग यहाँ पर हैं। और देखिए 84 पॉइंट्स बढ़ गई है, तो मुझे लग रहा है 2300 बहुत जल्दी हो जाएगी क्या? आधे घंटे में हम लोग खत्म कर लेंगे क्या? चलिए तो फटाफट से करते हैं। मनीष जी बहुत दिनों के बाद आए हैं लगता है। मनीष, मंजू, जेथरलिया, मेरे ख्याल से मनीष जी का अकाउंट है क्या ये? चलिए यहाँ पर आज जो है चैटिंग करने का मौका मिलेगा। ये मुझे थोड़ा सा ऐसे स्क्रीन मेरी उधर की तरफ है, तो ऐसे देखना पड़ता है बार बार, टेढ़ा टेढ़ा, बट आई कैन क्या करूँ, मुझे जो है मेरा एक मॉनिटर काम नहीं कर रहा है, सो इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ता है। किसकी मूव है यहाँ पर? मूव है ब्लैक की मूव है। चलिए आंसर बताइए। बिशप C5, वेरी गुड। ऐसे जल्दी जल्दी बताइए ना, तो हमारा 2300 हो जाएगा टारगेट खत्म, और वी कैन प्ले। ये भी बहुत इजी सी लग रही है लगता है, दिस वन इज वेरी इजी आई थिंक। इसको बताइए जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट जेएसके स्ट्रीमर। मेरे ख्याल से संजना और सौरभ ये सब बहुत एक्टिव हैं, बाकी प्लेयर्स एक्टिव नहीं है, तो सभी एक्टिव हो जाइए।
सभी के सभी एक्टिव हो जाइए और आज स्ट्रीम में एकदम लास्ट तक रहना है। मंजू जी जो भी हैं, प्रशांत पांडे जी वेलकम, थैंक यू प्रशांत पांडे जी। प्रशांत पांडे जी हमारी टीम से ज्वाइन किए हैं आई थिंक यू सब्सक्राइबर बैटल में, सो थैंक यू वेरी मच। जितने भी लोग ज्वाइन कर लिए हैं सभी को थैंक यू, और इस बैटल को हमें जीतना भी है, दिस इज द टारगेट। यस एब्सोल्यूटली राइट, यशद इज गॉन आई थिंक, और इसके बाद फिर हम लोग गेम्स खेलेंगे और ये भी मुझे लग रहा है बहुत ही ईजी सी है। चलिए बताइए, मुझे ना ये मैसेजेस का कुछ इंतजाम करना पड़ेगा ताकि जो है मैं आप लोगों से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर पाऊं, डायरेक्ट नहीं कर पाता अभी। मुझे ऐसा ट्राई करूं क्या? नहीं, ऐसा भी नहीं हो पा रहा है, मेरी सेटिंग नहीं बन पा रही यहाँ पे। चलिए अब देखते हैं, अभी ये सेटिंग बनेगी क्या, मैंने कुछ ट्राई किया है नया। चलिए अब मैं आप लोगों को आसानी से देख पाऊंगा आई थिंक, और सामने भी मेरी निगाह रहेगी तो दोनों बात हो जाएगी। बिल्कुल रुकी एट, देन क्वीन जी सेवन क्या है भाई? रुकी एट एकदम सही है, देन क्वीन एफ एट। चलिए सो रेटिंग हमारी हो गई है 1500 के करीब। जल्दी से यशद, जल्दी से आंसर बताइए सब लोग। सिखाएंगे सिखाएंगे, एक दिन वो भी सेशन रखना है। कल जो है हमारा वो होने वाला है वार्म अप टूर्नामेंट होने वाला है, सैटरडे को ना सब्सक्राइबर गेम एनालिसिस रखा है, तो उसी में मैं आई विल ट्राई टू गिव यू सम टिप्स कि क्या करना है, और उसी में जो है हम लोग अपनी जो है प्रिपरेशन करेंगे, बातचीत करेंगे प्रिपरेशन के बारे में, ठीक है। सो मेरे ख्याल से ये अच्छा आइडिया रहेगा, उस दिन हम लोग थोड़ा जल्दी सेशन शुरू कर लेंगे। सॉरी मैं देख नहीं रहा था, यशद एब्सोल्युटली राइट, मेरा ध्यान मुझे एक वॉइस पे चला गया था, देन लुक इनटू डी वन। 1500 क्रॉस कर ली हमने, एक छोटा सा हर्डल पार कर लिया है, और मुझे लग रहा है केवल अब 800 पॉइंट्स और चाहिए हमको। लर्न विद अर्श बहुत दिनों के बाद आए हैं सभी लोग, देखिए सब्सक्राइबर बैटल ज्वाइन कर लीजिएगा, हमने एक वो बनाया हुआ है ऑलरेडी, वहाँ पर लिंक दी हुई है, अगर आप देखेंगे कि नेक्स्ट स्ट्रीम कौन सी आने वाली है तो वहाँ पे आपको जो है दिख जाएगा, और साथ ही साथ जो है वहाँ पे लिंक्स दी हुई हैं सारी की सारी, सो आप लोग जो है वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लीजिए। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वाइट टू प्ले है, वाइट टू प्ले इज देयर एंड अच्छा ये मुझे ये भी लेना चाहिए था तो अच्छा रहता, बट नेक्स्ट टाइम आई विल डू दिस, क्योंकि अभी सेटिंग करने में थोड़ा सा टाइम चला जाएगा, कोई डिफिकल्ट वाली आएगी तो मैं जब तक सेटिंग कर लूँगा इसकी, ठीक है। बिशप F5 एब्सोल्युटली फाइन, बिल्कुल सही है, और इनकी क्वीन को हम लोग मार लेते हैं, डिस्कवर अटैक हमने यहाँ पे लगा लिया। सिखाएंगे बिल्कुल सिखाना ही है, मास्टर क्लास भी हमारी जो है अब पिछली बार तो बहुत अच्छी हुई, स्वीट एंड शॉर्ट, शॉर्ट एंड स्वीट ऐसा बोला जाएगा, बहुत ही अच्छी हुई, बहुत ही शानदार तरीके से हुई, ये तो बहुत ही आसान लग रहा है। दिस वन इज वेरी, अरे बार बार एक ही मैसेज मत कीजिए संजना अग्रवाल जी क्रिश, क्योंकि अगर आप बार बार एक ही मैसेज करेंगे तो आपको थोड़ी देर में पता चलेगा कि क्या होगा। यहाँ पर जो है हमारे नाइट बोर्ड जो है आपको धार धार करके सारे मैसेजेस उड़ा देंगे आपके, नाइट बोर्ड को अभी जानते नहीं हो आप, इज वेरी डेंजरस। ओके ओके ओके, इसमें गड़बड़ नहीं करना, रेटिंग डाउन भी हो सकती है, यहाँ पे पजल स्ट्रिक नहीं है सो कोई दिक्कत नहीं है, रेटिंग डाउन होगी बट हम लोग वी कैन डू, हमारा जो टारगेट है वहां तक पहुंचेंगे। रुक E8 देन क्वीन G6 हो रहा है, और अगर रुक F8 जाते हैं, बिल्कुल यहाँ पे क्वीन G6 मैट हो रहा है, ये दिखना चाहिए था। 25 पॉइंट, अब पॉइंट जो है धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, 1584 हो गए हैं अभी तक हमारे, और यहाँ पर आ गया है अभी किसकी मूव है, इट्स अ वाइट टू प्ले, थोड़ी सी डिफिकल्ट आएगी ना, देन आई विल चेंज द सेटिंग, किसकी मूव है वो भी आप लोगों को तब पता चल जाएगा। क्या किया जाए, यहाँ पर नाइट इंटू G6 हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि कर देना चाहिए बट सोच लेते हैं, क्योंकि क्वीन G7 आ रहा है बीच में, नाइट D7, नाइट C6, पॉन टू F5, सो मेनी मूव वी हैव। नाइट G6 तो लग ही रहा है, आप लोग बोलो क्या करें, नाइट हाँ वो तो सही हो गया, अब इसको बताओ, अब मेरे इसकी सेटिंग थोड़ी ठीक हो गई, मैं अब आपको सामने से देख पा रहा हूं, तो मुझे ऐसे ऐसे करके देखना पड़ता था बार बार। नाइट G6 कर दें,
मार मार के रूप जीत रही आ रहा है, बट उससे मैट तो नहीं होगी। नहीं अशरथ, रुक इंटू S7 से काम नहीं बनेगा, मुझे लग रहा है हमारा काम बनेगा नाइट G6 से, तो उसको आप लोग कैलकुलेट करो, नाइट G6 को कैलकुलेट करो। एक मूव से काम नहीं चलेगा पांडे जी, यू हैव टू थोड़ा सा ना कैलकुलेशन पूरा करके बताना पड़ेगा। लर्न विद अर्श, यू आर एब्सोल्युटली राइट, नाइट G6 मुझे भी लग रहा है। अरे गर्व जी वेलकम, बट मुझे ऐसा लग रहा है गर्व जी अगर आप ना भी रहे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि आपका जो है एग्ज़ाम है। देखिए जिन भी लोगों का एग्ज़ाम है पहले उस पर फोकस कीजिए, चेस तो कुछ दिन बाद भी हो सकती है, बिल्कुल उस पर फोकस कीजिए। यस सर, अरे पूरा बताओगे तब तो कर दूँ। तो जिनकी भी एग्ज़ाम है या कुछ भी ऐसा पढ़ाई का वर्क है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो उसकी तरफ ध्यान दीजिए और चेस के लिए टाइम टेबल बनाइए, है ना। ऐसा नहीं पूरे टाइम ही चेस करते रहें, क्योंकि पढ़ाई और इसमें बैलेंस रखना बहुत ही ज़रूरी है। नाइट G6 देन रुक जी, नहीं ये भी नहीं चलेगा क्रिश, ये नहीं चलेगा प्रशांत पांडे जी। यस प्रशांत पांडे जी राइट, प्रशांत पांडे जी ने एकदम सही बताया, नाइट G6 क्वीन G6, अरे बताया नहीं एक्चुअली, उसमें क्वीन G6 के बाद जो है हम लोग क्वीन H5 खेलते हैं विद द आइडिया ऑफ रुक G3, सो दिस इज द पॉइंट। मेरा व्हाट्सअप नंबर तो मैंने कई बार शेयर किया हुआ है भाई मेरे बहुत सारे मैसेजेस में, बट आपको मिल जाएगा नॉट टू वरी, है ना। बहुत सारे नील ननकानी जी को मैंने दिया हुआ है, गर्व के पास भी मेरा नंबर है, सेंटर कंट्रोल हमारे काव्यन के पास है, बहुत सारे लोगों के पास मेरा नंबर है। और हमने एक ग्रुप भी बनाया था मेरे ख्याल से उसके लिए, अपना जो सब्सक्राइबर बैटल 15 अगस्त को हुआ था उसके लिए ग्रुप वी हैव फॉर्म, सो उसमें भी आपको नंबर मिल जाएगा। चेस इविनेशन गुड इवनिंग, अच्छा लगा आप लोग आए। पहले हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं, देखिए हमको जो है 2300 रेटिंग करनी है एक घंटे के अंदर अंदर, और अभी हमारे हुए हैं 10 मिनट भी हुए नहीं है, 10 मिनट होने वाले हैं, सो हम लोगों ने 1600 तक पहुंच गए, आधा रास्ता हमने तय कर लिया, 700 पॉइंट और बस हमें चाहिए देन वी कैन प्ले। और आज हमारा नया अकाउंट बन गया है, तो आप लोग अगर पुराने अकाउंट में चैलेंज कर रहे होंगे तो काम नहीं बनेगा। थोड़ी देर बाद में आई विल शेयर द लिंक हियर। ये तो मुझे लग रहा है बहुत ही इजी सा है, क्वीन F7 एंड क्वीन E7, चलिए बहुत ही अच्छा मैटिंग पैटर्न था। यहां पर सोचते हैं क्या होगा, नाइट इंटू C5 हो रहा है, देन E3 पे जो है सपोर्ट आ जाएगा, पर मुझे लग रहा है कि क्वीन रुक F6 मूव भी आ रही है, रुक F6 में क्या चलेंगे ये, पॉन टू G5 मूव भी आ रही है, पॉन टू F5 भी आ रही है, रुक F6 G6 करके ऐसे कुछ करना पड़ेगा। नाइट F2 देन नाइट G3, मुझे लग रहा है मैट होने वाली है इनकी, ऐसा अंदर से फीलिंग आ रही है, नहीं तो बहुत नुकसान होने वाला है। यस 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 यू आर एब्सोल्यूट राइट गर्व ठाकुर जी, गर्व ठाकुर जी देखिए चेस प्लेयर के साथ ऐसे ही होता है, मन नहीं मानता है, है ना। मेरा भी जब एग्जाम था जब मैं 10th में था तो चेस खेलना मैंने जब शुरू ही किया था 9th में, तो जब मैं 10th में पहुंचा सो मैंने क्या किया, अपने जितनी भी बुक्स मेरे पास थी, उस समय मैगजीन हुआ करती थी, बुक तो हम लोग खरीद नहीं पाते थे, तो मैगजीन का जो है सब्सक्रिप्शन था हमारे पास, उसका हमने बहुत सालों का सब्सक्रिप्शन ले लिया था, चेसमेट जो है चेन्नई से निकलती थी, कुछ ऑफर था तो मैंने वो पूरा सब्सक्रिप्शन ले डाला था। सो मैगजीन जो है वो थी, तो मैंने सारी मैगजीन सारी बुक जो कुछ भी था वो सब जो है एक ताले में बंद करके रख दिया था। फिर जो है कुछ दिन जब निकले तो मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि मुझे बहुत आदत थी कि मैं पहले जो है ना जब तक चेस बुक पढ़ नहीं लेता तब तक तो मुझे नींद नहीं आती थी, सो रात को जो है मुझे चेस बुक पढ़ना ही पढ़ना है थोड़ी देर के लिए। सो मैंने क्या किया, क्या करूं, दो तीन दिन मैं बहुत परेशान रहा, फाइनली मैंने जो है उसमें से एक मैगजीन जो है चुपके से निकाल ली, और जो है पूरे एग्जाम के समय मैं उसको रात में थोड़ी देर के लिए जरूर पढ़ता था, ठीक है। अभी भी मेरी आदत है, व्हेनेवर आई गेट चांस आई रीड द बुक। और आपको अभी बताता हूँ कि मैं एक बुक पढ़ रहा था, और आप मानेंगे नहीं, मैंने सोचा था कि एक गेम पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा, और जस्ट मैं सोच ही रहा था कि हाँ इस गेम पे मुझे वीडियो बनाना है, मेरे मन में वो थॉट था। तो जब मैंने वो बुक को उठाया तो उस गेम में पहला गेम, आप बिलीव नहीं करेंगे, उस बुक का पहला गेम वही था जिसमें मैं वीडियो बनाने का सोच रहा था। मुझे देख के इतना अच्छा लगा, तुरंत मैंने जो है जिन्होंने भी वो बुक मुझे प्रोवाइड कराई थी PDF भेजा था,
तो उनको तुरंत मैंने बताया कि अरे ये जिस गेम पे मैं वीडियो बनाने की सोच रहा था और ये गेम मुझे यहीं मिल गया पहली बार में। विश्वा टेक वेलकम, बहुत दिनों के बाद आए हैं, अथर्व आ गए हैं यहाँ पर। सो बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने भी चैनल को, वैसे तो मुझे यहाँ सभी सब्सक्राइबर दिख रहे हैं, बट जिन्होंने भी नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैंने सब्सक्राइबर अलर्ट लगाया है तो मैं देखना चाहता हूँ वो वर्क करता है कि नहीं करता। चलिए तो यहाँ पे मूव बताइए, रुक e5 इज विनिंग, नहीं रुक g5 नहीं है, नाइट, हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है g5 नाइट f2, बट हमारा खुद का रुक भी मर रहा है, सो वी नीड टू थिंक अबाउट दैट। अब मैं थोड़े से मूव देख लेता, मैंने रुक f6 बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। रन विश विद अर्श इज करेक्ट आई थिंक, नाइट f2 चेक भी दे सकते हैं, यहाँ पे मैट के लिए भी सोच सकते हैं। मुझे लग रहा है h5 चेक देते हैं हम लोग, g5 चेक देते हैं, फिर क्या होगा। मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है अंदर से मैट होनी चाहिए यहाँ पर। चलिए वैसे हम लोग एक्सचेंज मारेंगे तो भी दो पीसेस तो रहेंगे एक्सचेंज के बदले, तो ये तो ठीक आइडिया नहीं लग रहा है। H5 मूव के बारे में क्या ख्याल है? चलिए नाइट F2 चल दूं, नाइट F2 सर आप मेरे रिक्वेस्ट पर भी बनाए मर्फी एंड वॉर्डन, बिल्कुल बिल्कुल उस पर भी बनाऊंगा, बट वो गेम मेरे मन में था बहुत दिनों से था। H5 के बारे में कैलकुलेट करना चाहिए, H5 देन किंग H3, यहाँ पे तो सोच के बताओ H5 देन किंग H3, यहाँ सोचो मारेगा तो नहीं, मारने से तो ये चेक आ जा रही है, फिर ये चेक आ जा रही है, फिर रुक H6 आ जा रहा है, मैट हो जाएगी। सो मारेगा तो नहीं, यहाँ पे दो ऑप्शन है उसके पास है, H5 के बाद किंग H4 एंड किंग H3, इनको थोड़ा सीरियसली एक्सप्लोर करना चाहिए हमको, तो शायद हमें चेकमेट मिल सकती है। वी जस्ट नीड टू थिंक अबाउट देम सीरियसली, थोड़ा सा सीरियसली सोचेंगे तो मिल सकती है। ऐसा नहीं कर सकते हम लोग, ऐसा करना ठीक नहीं रहेगा, हमारी बैक रैंक भी वीक है, सो इसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, बैक रैंक से कहीं चेकमेट ना हो जाए। क्या बोलते हो सर, e5 थ्रेटनिंग रुक h5? अरे नहीं कर सकते ना, हमारी बैक रैंक वीक है गर्व ठाकुर जी। नाइट f2 कर दूं? चलिए नाइट f2 कर देता हूं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। चलिए सही हो गई और गेम ही खत्म हो गया, आगे बढ़ा ही नहीं उसने, दो पीसेस थे रुक के बदले, इसलिए मैं करना नहीं चाह रहा था, बट चलिए अच्छी हो गई तो अच्छी बात ही है। और ये तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही सिंपल सी है, रेटिंग हमारी हो गई है, अब रेटिंग बड़ी कम बढ़ी यार, 25 पॉइंट ही बढ़ी है, जल्दी से बढ़ाओ। चलिए ठीक है, बिशप g4 आ रहा है, इसमें तो हम लोग ज़्यादा नहीं सोचते हैं, बिशप g4 कर देते हैं फटाफट और इसको मार लेते हैं, मैट होने का तो कोई चांस नहीं दिख रहा है। 20 पॉइंट्स फिर बढ़ गई, अब धीरे धीरे ना कम बढ़ती जा रही है हमारी, देखिए वो जो मैटिंग पैटर्न था वो यहाँ पर आ रहा है। चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए, एंड आई विल गिव यू 2 मिनट्स ओनली, 9:23 हो रहा है, 9:25 पे आई विल आस्क यू, बिल्कुल बिल्कुल, और आप लोग बताइएगा। हालांकि मेरे इसमें और आपके इसमें थोड़ा सा लैग रहता है क्योंकि यहाँ पर जल्दी हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल इसकी वर्ड लग गया, यू आर एब्सोल्युटली राइट, लर्न विद अर्श, मज़ा आ रहा है आप लोगों के साथ करके। आज मेरे को सुकून इसीलिए है कि क्यों आप लोगों से बात हो पा रही है, और कल जो है ना हमारा ऐसा करते हैं, कल ना हम लोग थोड़े से 45 मिनट्स का जो है वो करते हैं, वार्म अप टूर्नामेंट करेंगे 45 मिनट्स का कर लेंगे बस, और उसके बाद हम लोग ना डिस्कस करेंगे अबाउट द टूर्नामेंट कि कैसे करना है ना, सो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। नाइट f4 बिल्कुल पांडे जी, यू आर एब्सोल्युट राइट, यही पैटर्न की हम लोग लास्ट टाइम कोशिश कर रहे थे बट हो नहीं पा रहा था, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। और 1700 पहुंच गया, 600 पॉइंट और चाहिए हमको। चलिए बताइए, ये भी कुछ जानी पहचानी सी पोजीशन लग रही है पता नहीं क्यों, और यहाँ पे जो है क्वीन मरने वाली है क्या इनकी, क्वीन मरने वाली है, क्वीन मरने वाली तो मार लेते हैं। चलिए आंसर आप लोग बताइए, आप लोगों ने बहुत ही जल्दी बता दिया, 1 मिनट भी लिया नहीं, इसको बता दीजिए फटाफट जल्दी से। चेस बज इंडिया का अकाउंट बन गया है, चेस बज इंडिया का, तो आप लोग जो है वहाँ पर चैलेंज कीजिएगा व्हेन वी अचीव द टारगेट, टारगेट बेस्ड होने से बहुत अच्छा रहता है, हम लोग टारगेट जो है अचीव करते हैं तो अच्छा लगता है।
मैंने सोचा था कि जब मैंने चेस खेलना शुरू किया था 1995 में, तो मैं सोचा था कि 2000 में मैं जो है अपनी रेटिंग लेके आऊँगा। अब आप बोलेंगे सर इतना टाइम क्यों लगाया आपने, आप तो एक ही साल में रेटिंग ला सकते थे। उसका रीज़न ये है कि उस समय में इंडिया में बहुत ही गिने चुने टूर्नामेंट होते, साल में शायद 4 या 5 टूर्नामेंट होते थे। हेलो हेलो, मुझे लग रहा है कोई नए बंदे आए हैं यहाँ पर, और ये शमीम है आई थिंक, शमीन। ओके ओके, मुझे लग रहा है एक हमारे सब्सक्राइबर हैं पुराने, उन्होंने यहाँ पे बंगाली में नाम लिखा हुआ है। सो हेलो मनु पटेल जी इज हेयर। अच्छा लग रहा है नए नए लोगों को देख के, जितने लोग जुड़ेंगे उतनी अच्छी बात है। कुछ सब्सक्राइबर अलर्ट आया क्या, मुझे तो पता नहीं चला, ऐसा कुछ अलर्ट नहीं आया है। मैंने लगा के रखा है आई वॉन्ट टू सी कि भाई ये उसमें क्या होता है, मेरे को पता नहीं है। क्वीन डी सिक्स इज विनिंग, एब्सोल्युटली राइट, क्वीन डी सिक्स इज विनिंग, क्योंकि जो है यहाँ पर क्वीन टू ई सिक्स हो रहा है। प्रॉब्लम यह है कि किंग बी एट नहीं जा सकते, नाइट डी सेवन चेक आ रहा है, बिशप इस चेक से भी नहीं बात बनती क्योंकि वी आर ऑलरेडी एक्सचेंज डाउन। चलिए यहाँ पे तो मैटिंग पैटर्न है, ये बहुत पुराना सा मैटिंग पैटर्न है, ये पता नहीं क्यों दे दिया इन्होंने, एक ही चाल में तो मैट हो रही है, करेंगे क्या, एक ही मूव में मैट हो रही है। ब्लैक टू प्ले इज हियर, इसको करने का क्या मतलब है पता नहीं है, 2-4 पॉइंट भी देगा कि 15 पॉइंट मिल गए हमको, 15 पॉइंट, वेरी गुड थिंग इज दैट। इंग्लिश में अपना नाम बता दीजिए भाई, हेलो हेलो, जो बंगाल से आए हैं प्लेयर, इनका तो मुझे वो भी नहीं दिख रहा है, इन्होंने छोटा सा वो बनाया हुआ है, चलिए ठीक है। और यहाँ पर वाइट टू प्ले है, सो इसमें तो कोई खास बात ही नहीं है, तो इंटरमीडिएट चेक है। क्वीन सी वन, एब्सोल्यूट राइट, व्हाट इज योर नेम, अरे बंगाली हमें नहीं आती है, आपका नेम जो है बंगाली में दिख रहा है, सो कैन यू प्लीज टेल मी द नेम। सर सब्सक्राइबर अलर्ट कभी कभार शो नहीं होता बिकॉज लोग अपने अकाउंट में अपनी सब्सक्रिप्शन को प्राइवेट रखते हैं ज़्यादातर। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है, मुझे भी इसका मतलब उन्होंने कहा था, मैंने खुद ने कल किसी का चैनल सब्सक्राइब किया था, सो वो मुझे बार बार बोल रहा था कि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, नहीं किया है, तो मैंने बोला भैया मुझे बिल्कुल पता नहीं है, मेरा यूट्यूब कोई और हैंडल करता है और उन्हीं को सारी जानकारी है। सो चलिए रुक इन टू ई से, ये तो बहुत ही सिंपल सा था, इंटरमीडिएट चेक थी, पता नहीं, ओ हो दिस इज द पॉइंट, ओके सो वी नीड टू गिव वन मोर चेक, ये मैंने सोचा नहीं था, सो ऐसे करके मारना है, नाउ वी अंडरस्टैंड, और इसमें आएगा मज़ा। सो आप लोग जब तक सोचो इसको, मैं थोड़ा ना सेटिंग करके आता हूँ ताकि जो है ना हमारा ये अलर्ट भी दिख जाए, योर टर्न वाला, इसको मैं थोड़े से सेट कर लेता हूँ, ठीक है। ओके यहाँ तो दिख रहा है, इसको थोड़ा सा जो है खिसका लेते हैं, बहुत सारी विंडोज खुली हुई हैं भैया, हमारे चेहरे पे ही आ गई है तो पूरी। चलिए सो योर टर्न वाले को जो है क्रॉप करते हैं फटाफट से, आप लोग सोच के बताइए जब तक आंसर, जो जब तक मैं जो है ना इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, इससे पता चल जाएगा कि कम से कम जो है मूव किसकी है। ये हमें चाहिए टॉप से, आई थिंक दिख रहा होगा रुक d5, रुक, अरे आर भी छोटा बना रहे हो यार आप लोग, आर तो बड़ा बनाओ, आई थिंक ये मेरे ख्याल से ठीक हो गया होगा, योर टर्न व्यू द सॉल्यूशन, ठीक है। मैं थोड़ा सा सबको एडजस्ट कर देता हूँ ताकि जो है हमारी सारी चीजें आ जाएं, इसको भी थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं और इसको थोड़ा सा यहाँ पे लगा देते हैं, योर टर्न देखिए मेरे ख्याल से आ गया है, इसको थोड़ा और छोटा कर देते हैं, अभी मेरे ख्याल से दिख रहा होगा कि किसकी मूव है, ये भी पता चल जाएगा, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज दो काम बहुत अच्छे हो गए, एक तो मैं आप लोगों को सामने से देख पा रहा हूँ, मुझे ऐसे करके नहीं देखना पड़ रहा है, एंड द सेकेंड थिंग इज दैट कि अब हमको जो है ये भी पता चल गया कि मूव किसकी होने वाली है। सो लेट मी सी कि किसकी, रुक इन टू d5 आप लोगों ने बोला है, अरे तो सिंपल था, पिन है, बिल्कुल ठीक है, सो इसको चल ही देते हैं, और क्वीन भी मरवा ली इसने भाई, रुक के लिए क्वीन कौन मरवाता है। यहाँ पर भी देखिए इंटरमीडिएट चेक जो है आने वाली है, इंटरमीडिएट चेक है, हाँ मैं यूबी ओबीएस स्टूडियो जो है यूज कर रहा हूँ यहाँ पर,
रिकॉर्डिंग के लिए भी मैं वही यूज करता हूँ समटाइम्स। अनिर्बन मंडर, ओके वेलकम अनिर्बन, अच्छा लगा आपको देख के। और देखिए हमारे गेमिंग विद तने भी आ गए हैं, तने वेलकम। और हर्षराज जोशी जी भी आ गए, वेरी गुड हर्षराज जी, मैं अभी देखा आपका नाम, सो वेलकम टू यू। इसका आंसर बता दीजिए, बहुत ही इजी है। इन ओबीएस व्हाट टाइप ऑफ सोर्स सर, पता नहीं है, मुझे भी किसी ने सिखाया था तो मैंने जो है ये तो मैंने विंडोज से लिया हुआ है। आपका चेस बोर्ड है और ये जो नीचे दिख रहे हैं ये भी सब विंडोज से लिए हुए हैं। मेरा वीडियो आपको वीडियो सोर्स से दिख रहा है और पीछे बैकग्राउंड जो दिख रहा है वो इमेज सोर्स लिया हुआ है, और जो म्यूज़िक है वो मीडिया सोर्स से लिया गया है। सो म्यूज़िक लगाना मैं अभी सीखा हूँ कुछ दिन पहले ही। सो आप लोगों को बिशप सी थ्री इज करेक्ट मूव, कुछ ही दिन पहले मैंने देखा कुछ यूट्यूबर्स को कि वो म्यूज़िक लगाए हुए थे, तो मैंने सर्च मारा थोड़ा सा और आपने उससे भी पूछा जो हमारा यूट्यूब मेंटेन करता है कि भैया क्या करें बताओ ये वो, तो उसने सब बताया और पता चला कि एंड गेम्स आर वेरी डिफिकल्ट इन दिस पर्टिकुलर पोजिशन। और आप देखिए हमारे 10-10 पॉइंट बढ़ रहे हैं, सो वी नीड टू स्पीड अप, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा तभी बात बनेगी। सो ये सब मैंने यूज़ किया हुआ है। सो मेरे ख्याल से गाने का मतलब जो ट्यून है अच्छी लग रही होगी, मज़ा आता है ऐसे करने में। एक्चुअली ये मैंने खेलने के लिए लगाया था बट ये 2 दिन से शायद वर्क नहीं कर रहा है, मुझे आज ही पता चला कि वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने पूछा आज म्यूजिक आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो लोगों ने बोला नहीं आ रहा है। सो ये यूट्यूब के फ्री म्यूजिक हैं जो मैंने डाउनलोड किए हैं यूट्यूब से ही। लुक इन टू H3, अरे भैया A3 है, ओके देन वी विल ब्रिंग द किंग। किंग कोई बाहर लेके आए, बिल्कुल चलिए हो गई। किंग पॉन एंडिंग में किंग की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है और ये पोजीशन लग रहा है कुछ जानी पहचानी से लग रही है और मज़ेदार पोजीशन है। विनिंग किंग पॉन एंडिंग गेम, एब्सोल्युटली राइट, एंड इन दिस पोजीशन इट्स अ मैट इन टू आई थिंक। आज मेरे को अच्छा ये लग रहा है कि मैं आप लोगों को सामने से देख पा रहा हूँ, नहीं तो मेरा मुँह इधर मुड़ा रहता है। मैंने अपने वीडियोज देखे, मैंने बोला ये क्या हो रहा है, सो आज मुझे सेटिंग मिल गई बढ़िया सी। आज मैंने जो है अपने मोबाइल को अपने लैपटॉप पे ही रख लिया है जैसे मेरा जो है एक मिनट, आई नीड टू सी दैट वन थिंग ऑल्सो कि मेरा जो है ना वीडियो कैप्चर जो है मेरे सही कैमरे से आ रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है, सही कैमरे से ही आ रहा है। एक्चुअली एक और कैमरा जो इसका इंटरनल कैमरा है वो उतना अच्छा नहीं है। G2S7, एब्सोल्यूट राइट, यू आर एब्सोल्यूट राइट अनिर्बन, आप एकदम सही हैं। मंडल जी बोलना ज़्यादा आसान रहेगा हमारे लिए क्योंकि यहाँ बिशप S7 से चेकमेट हो रही है। सो मुझे लग रहा है यहाँ फूल्स मैट होने वाली की पोजीशन देखी देखी सी लग रही है। E4 नाइट F6, ये जो है नाइट E4 बिशप C4, पता नहीं ये क्या हो गया, बच्चों का गेम है लगता है, तो बच्चों का गेम है। 10 मिनट का, हाँ बच्चों का ही गेम है। 1600 रेटिंग 1700 रेटिंग है दोनों बच्चों की। चलिए सो यहाँ पे बता दीजिए, बहुत बहुत पुराना ट्रैप है, बहुत ही पुराना ट्रैप है यहाँ पर, बताइए आप लोग। सो व्हाट शुड आई प्ले, क्या खेलूँ, गेमिंग विद तने ऑन S7 देन बिशप है, बिल्कुल ठीक है तने। हर्षराज जी, गर्व, प्रशांत पांडे जी, एंड सबसे पहले मेरे ख्याल से इन्होंने बताया था हमारे मंडल जी ने, एक बार मैं इनका नाम चेंज कर चेक कर लेता हूँ। अनिर्बन आई थिंक इन्होंने कहा था, अनिर्बन मंडल, बिल्कुल ठीक है। सो मंडल नहीं, मोंडल, मोंडल लिखते हैं ये, पर मंडल ही होता है, ठीक है, सब जगह अलग अलग लिखते हैं, कोई मंडल लिखता है कोई मोंडल लिखता है, पता नहीं क्या डिफरेंस है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज द पॉइंट। नाइट F3 पे नहीं आ रहा है इसीलिए वी कैन प्ले दिस वेरी इजीली। और ये देखिए अब हमारी रेटिंग कम बढ़ रही है, अब तो इसका मतलब है वी हैव टू डू समथिंग वेरी फास्ट, कुछ जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, इसमें तो कुछ दम नहीं है, तो थोड़ी सी जल्दी कर लेते हैं। बिशप F1 आ रहा है, मैट नहीं हो रही है, और यहाँ पर भी मैट ऐसा लग रहा है कि हो जानी चाहिए, मैट होनी चाहिए। यस मैट हो रही है, क्यों हम कुई से मारे हैं, हम तो बिशप से भी मार सकते हैं इसको। सो बिशप से पहले मार लेते हैं, देन क्वीन इनटू G3 चेकमेट, ठीक है। मैं सोच रहा था क्वीन इनटू G3 को कैलकुलेट कर रहा था, देन आई थॉट के यू आर 9 ईयर ओल्ड, वेरी गुड, बिल्कुल सही एज है चेस के लिए। हम तो बहुत लेट हो गए थे, 14 या 15 ईयर्स में हमने शुरू किया था, बहुत लेट शुरू किया था, बट सडन सून जो है हम लोगों ने इम्प्रूवमेंट करना शुरू कर दिया। मेरे साथ अच्छी बात हुई ये हुई कि मैं पहले ही अपना टूर्नामेंट जीत गया था, तो मुझे बहुत बूस्टअप मिला उसकी वजह से,
इसको बताना मुझे लग रहा है थोड़ा कठिन रहेगा आप लोगों के लिए। सो लेट्स सी क्या होता है। बिल्कुल ये नाइट बोट आ गया है और अब ज़्यादा स्पैम मत कीजिएगा। अभी अच्छा लग रहा है, जीएस के चेस स्ट्रीमर वगैरह सभी अब थोड़े से ठीक हो गए हैं, ज़्यादा चैट नहीं कर रहे हैं, जो है केवल टू द पॉइंट बात कर रहे हैं और जो कोई क्वेरी कर रहा है उसका आंसर दे रहे हैं। दिस इज़ व्हाट मोड हैज़ टू डू यूजिंग क्रोमा की फॉर ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड फॉर वीडियो। हाँ जी, क्रोमा की यूज़ की है बट उसकी सेटिंग भी मुझे नहीं आती है, मुझे करके दी है मेरे लड़के ने, करके दी है मुझे, बिल्कुल भी वो सेटिंग करना नहीं आती है। मैं बस आता हूँ यहाँ पे सीधे OBS भी कभी कभी उसे बोल देता हूँ कि तुम पूरा सेट कर दो और आगे सीधे स्ट्रीम करना शुरू कर देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत पांडे जी, और एब्सोल्यूट राइट, टेक्टिकली आप बहुत ही अच्छे हैं, तुरंत आपको दिखाई दे गया ये, जबकि ये इतना आसान नहीं था क्योंकि प्लेयर हमेशा चेकमेट के बारे में सोचता रहता है, इतना सिंपल टैक्टिक्स भी कभी कभी मिस कर देता है। नाइट जी फाइव से काम नहीं चलेगा, जो हमने किया वो करेक्ट था गर्व ठाकुर जी, क्योंकि क्वीन इंटू G2 पे मैट हो रही थी तो E4 से काम नहीं चलेगा और F4 उसके बाद आप कर नहीं पाएंगे, मौका नहीं मिलेगा आपको क्योंकि अपने खुद F4 कर देगा। चलिए सो यहाँ पे करते हैं, तो मेरे ख्याल से मैट होनी चाहिए। क्या हो रहा है यहाँ पर, क्वीन G8 देन G6 E6 ओके E7 इनका मर रहा है यहाँ पर, ये देखिए बिशप मर रहा है यहाँ पर, इस बिशप को मारने की पूरी सारी चालें यहाँ पर। सर व्हाट कंप्यूटर आर यू यूजिंग, विंडोज 7 है, विंडो 10 इज देयर और ये बहुत अच्छा कॉन्फ़िगरेशन है जो यहाँ पे लिया गया है, बट इससे भी और हायर होने से अच्छा था। नाउ आई थॉट कि लैपटॉप अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ बट डेस्कटॉप जो है मच बेटर रहता फॉर दैट स्टूडियो सेटअप। अरे यशद तुम्हें पता नहीं है मैं कितने साल का हूँ, मेरे 40 ईयर्स का हूँ, बहुत साल हो गया मुझे, 26 साल हो गए चेस खेलते हुए, सिंस 1995 मैंने खेलना शुरू किया था और पहला टूर्नामेंट मैं जो खेला था स्टेट लेवल का वो था मंदसौर, और सेकेंड टूर्नामेंट जहां मेरा सिलेक्शन हुआ था नेशनल्स के लिए मैं रनर्स अप रहा था वो था सब जूनियर स्टेट और वो हुआ था भिलाई में, तब से ही मेरा जो है भिलाई से नाता जुड़ा हुआ है। सो पहले मैं सोचता था भिलाई और रायपुर बहुत दूर होंगे बट नाउ आई नो कि ये दोनों बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। चलिए बताइए यहाँ पर क्या खेलें, आई थिंक क्वीन G8 हो रहा है, देन किंग G6, अभी देखिए क्वीन E8 में जो है स्कीवर जैसा भी लग रहा है तो नाइट F7 इनको आना पड़ेगा, सो विल टेक दिस क्वीन टू E7, सो चल देते हैं इसको और इसको मार लेते हैं, एक पीस अप हो गए हम लोग फ्री में, दूसरा भी अप होने वाले हैं क्योंकि क्वीन E6 चेक आ रही थी और यहाँ पर मैट होने की प्रोबेबिलिटी लग रही है, मैट होनी चाहिए, सो थोड़ी देर सोच लेते हैं। मैट बचाया है, क्वीन B5 चेक भी आ रही है, इट मींस वी हैव टू डू समथिंग वेरी अर्जेंटली, कुछ तो जल्दी से करना पड़ेगा नहीं तो ये भाग जाएंगे यहां से। क्या करें बताओ, इसमें तो गाड़ी अटक गई लगता है हम सबकी, इसमें कहां, ये इसमें तो सही है, रुक सी वन देन किंग सी वन देन क्वीन E1, बिल्कुल ठीक है, रुक है फिर। अरे गर्व ठाकुर जी नोटेशन सही करो अपना, वी आर प्लेइंग फ्रॉम द ब्लैक साइड है ना, सो रुक C1 है ये मूव, रुक F8 नहीं है, बट आपका आंसर एकदम सही था प्रशांत जी, वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल जेएस के चेस स्ट्रीमर यू आर एब्सोल्यूट राइट। मंडल जी यू ऑलरेडी सॉ व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर, रुक C1 इज द करेक्ट आंसर इन दैट वन, ये तो बहुत सिंपल सा पिन दिख रहा है, सो वी गो स्ट्रेट अवे। देखिए यहाँ पे ये पॉन पिन है, चलिए देखिए किसी को मेरा आईडी पता चल गया, अभी तक किसी को भी मेरा आईडी नहीं पता था और मुझे लग रहा है ये जीएस के चेस स्ट्रीमर ही होंगे, ठीक है, क्योंकि किसी को भी मैंने अपना आईडी दिया ही नहीं है तो चैलेंज कैसे कर दिया,
इस आईडी पे ये भी अच्छी बात रही, कोई चैलेंज नहीं कर पाए, नहीं तो मेरे पास इतने चैलेंजेस आ जाते हैं, 10-15 तो चैलेंजेस आ जाते हैं, इधर देखो उधर देखो समझ में नहीं आता है। चलिए ये भी मुझे लग रहा है कि बहुत ईजी होगा क्योंकि क्वीन E3 चेक आ रही है, सो हम लोग सिंपल कर लेते हैं और क्वीन E3 चेक से मैट ही हो रही है। सो मुझे लग रहा है 500 पॉइंट बनाने के लिए हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, 400 एक्चुअली 400 ही बचे हैं, जल्दी जल्दी करते हैं तो जल्दी से काम हो जाएगा। इसको जो है बस पिन कर लेते हैं तो हमारा काम बन जाएगा बिशप B2 से, और इसको मार देते हैं और ये पॉन जो है क्वीन बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। नाइट E5 आ रहा है, नाइट B6 आ रहा है, सो आई थिंक वी शुड गो फॉर द नाइट B6। नाइट B6 से सिंपल नाइट वॉक ही लग रहा है और मुझे लग रहा है कि अब ये 10-10 पॉइंट हमको देने वाला है। व्हाट यू से? देखो कि टाइम आउट कर दिया, देखो स्ट्रीम एलिमेंट और नाइट बोट ने। सो इसीलिए मैं कह रहा था कि थोड़ा सा ना संभल के रहो, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है लोग, है ना, ये नाइट बोट और स्ट्रीम एलिमेंट। सो थोड़ा सा संभल के रखिए। देखिए एक ने इनको 5 सेकंड के लिए किया, एक ने इनको 30 सेकंड के लिए कर लिया है, लर्न विद अर्श ने। सो स्पैम मत कीजिए, एक ही बार आंसर देके वेट कीजिए। और नाइट B6 ठीक ही लग रहा है, इसमें है क्या, कुछ भी तो नहीं है। अरे मेरा आईडी पता नहीं कैसे लोगों को पता चल जा रहा है, सब लोग चैलेंज करने लग जा रहे हैं। चलिए बताइए इसका आंसर। विश्व आई हैव 7 विन इन दैट ओके टू स्ट्रीम यूजिंग OBS विथ ओल्ड ऑपरेटिंग। ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है ना नहीं हो रहा है, OBS का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। मैंने भी ट्राई किया था, अभी जब मैं बाहर गया था तो मैं अपना लैपटॉप लेके गया था, सो वहाँ पे मेरे ये वो ओल्ड वर्जन है मेरे पास, तो उसमें जो है OBS यूज़ नहीं हो पा रहा है। मैंने बहुत ट्राई किया, इसलिए आप लोगों ने देखा होगा उस समय स्ट्रीम नहीं हुई थी और वीडियोस भी नहीं बन पाए थे क्योंकि OBS वर्क ही नहीं कर रहा। सो व्हाट कैन आई डू सर, मूव दिख जाते हैं पर लिखने की जल्दी में नोटेशन देख भूल जाता हूँ। बिल्कुल अच्छी बात है पांडे जी, सॉरी मैंने देखा नहीं, नाइट G3 हो रहा है, लर्न विद अर्श नाइट G3 बिल्कुल ठीक है आई थिंक। तो नाउ यशद इन टॉप 100, अरे वाह कितनी अच्छी बात है, यशद जो है हमारे टॉप 100 में आ गए हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। द पॉइंट इज दैट कि यहाँ पे नाइट E2 चेक आ रहा है क्योंकि नाइट इन टू F1 से काम नहीं चलेगा। नाइट E2 आई थिंक ही वॉन्ट टू टेल नाइट, ठीक है चलिए वो तो हो गया, अब इसके बारे में करते हैं। और यहाँ पे पॉन क्वीन बन रहा है और रुक F8 भी आ रहा है, सो आई थिंक रुक F8 चल के इसको मार लेना ही ठीक है, बाद में जो है उसको पॉन को क्वीन बना लेंगे क्योंकि यहाँ पे मैट मैट का डर लग रहा है मुझे, इनकी तो खुद की मैट हो रही है आई थिंक, इट्स अ मैट इन 2। बीच में कुछ ला सकते हैं थोड़ी देर डिले करने के लिए लाइक दिस, और ये देखिए मैट हो गई, बहुत ही अच्छी मैट हुई है, बहुत इंटरेस्टिंग मैट थी। तो चलिए 1900 रेटिंग हमारी हो गई, बस अब हमको 400 रेटिंग और चाहिए, 400 पॉइंट और बनवाओ भैया जल्दी से, और थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि अगर टाइम ज़्यादा होने लग गया, हमारे पास केवल जो है अब 17 मिनट बचे हैं, तो हमको बहुत फास्ट करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं, या थोड़ी डिफिकल्ट ले लेते हैं, थोड़ी डिफिकल्ट ले लेते हैं, इसके बाद डिफिकल्ट लेवल ले लेंगे तो जल्दी से हो जाएगा। चलिए थोड़ी डिफिकल्ट लेते हैं तभी जो है जल्दी हो पाएगा, हार्डर ले लेते हैं, हार्डर लेवल ले लेते हैं ताकि, क्योंकि हमको पॉइंट्स जल्दी से कंप्लीट करने हैं। चलिए यहाँ पर जो है मूव है किसकी, आई थिंक ये तो इजी है, ये तो हार्डर बोल रहा है और ये तो इजी लग रही है। अच्छा किंग E3 पर आ रहा है, E3 पर तो आ नहीं सकता, नाइट F5 चेक आ रही है, चलो कर लेते हैं फटाक से। रुक G2 लग रहा है मुझे तो, रुक G2 देन नाइट E3 सॉरी किंग E3 सो नाइट F5, चलिए भी हो गया। इसमें हमें मिले 37 पॉइंट, तो थोड़ा सा जल्दी अपने को करना पड़ेगा तभी बात बनेगी। रुक G2 यू आर एब्सोल्यूट राइट, क्वीन G2 सही नहीं था अनिर्बन सॉरी मंडल जी और पांडे जी, रुक G2 एकदम सही था, क्वीन G2 सही नहीं था, जितने भी लोगों ने बोला है क्वीन G2 सही नहीं था। आई एम प्लानिंग टू गेट नंबर 1 इन क्लासिकल, माय रेटिंग इज 2400, ओनली 200 पॉइंट्स टू गो नंबर 1। अरे वाह वेरी गुड, ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है।
चलिए यहाँ पर वाइट टू प्ले है, और यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो गई है कि आप इसको अगर मारते हैं तो यहाँ पर इन्होंने ये टारगेट लगाया हुआ है, तो इससे अपने को बचना पड़ेगा और सही चाल ढूंढनी पड़ेगी। सही चाल हमें चाहिए यहाँ पर। क्या करें, रुक इनटू D6 करते हैं अगर हम लोग, तो रुक इनटू D6, क्वीन इनटू D6, क्वीन D1 चेक आ रहा है, क्वीन E5 चेक अगर देते हैं उसके बाद। ओके 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 ओके, यस एब्सोल्यूट राइट, क्वीन E5 इज द की मूव, वेरी गुड। तो मुझे लग रहा है हमारी रेटिंग इसमें ठीक ठाक बढ़ जाएगी, और बिल्कुल 2000 के करीब हम लोग पहुंच गए हैं। सो ये हार्डर लेवल लेके हम लोगों ने थोड़ा सा अच्छा डिसीजन लिया है, आई थिंक अभी तक हमारी कोई गलत हुई नहीं है, और इसमें भी ऐसा लग रहा है कि कुछ हमें फायदा होना चाहिए। किंग, इनकी क्वीन ट्रैप हो सकती है क्या? मुझे लग रहा है हार्डर लेवल लेके हम लोगों ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, क्योंकि इससे जो है हम लोग जल्दी अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। द पॉइंट इज दैट के वी कैन प्ले रुक B8, बिल्कुल रुक H8 चेकमेट हो रही थी, और ये तो हमारा वो लग रहा है जो हम लोग करते रहते हैं अक्सर, किंग हंटिंग हो रहा है यहाँ पर। नाइट C4 चेक से मैट होनी चाहिए ऐसा लग रहा है, नाइट C4 चेक से मैट हो रही है। देखिए नाइट E5 चेक हम दें, सो किंग यहीं जाएगा, सो A4 चेक दें, सॉरी A4 चेक दे दें, इसको सही कर लेते हैं, A4, सो किंग A5 या B6 जाएगा, देन विल प्ले नाइट C4, सॉरी B6 नहीं जा सकता, यहीं पर जाएगा किंग, यहाँ पर जाएगा, सो नाइट C4 चेक में मैट, किंग कहीं भी नहीं जा रहा, यस एब्सोल्युटली फाइन। और मुझे लग रहा है कि रेटिंग जो है हमारी फिर बढ़ जाएगी, और कितनी बड़ी, 33, अब अच्छा हो रहा है, 30 30 30 30 करके बढ़ रही है, जल्दी से कंप्लीट हो। इनविजिबल प्लेयर, वेलकम वेलकम। अरे मुझे लग रहा है कि जेथलिया, सॉरी जेथलिया, लगता है कि कहीं गायब हो गए थे, वापस आ गए हैं, क्योंकि गेम खेलने का टाइम हो रहा है, जस्ट 13 मिनट्स हमारे पास बचे हैं और फिर हम लोग गेम खेलना शुरू करेंगे। इस टाइप की पोजीशन मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले भी मैंने कहीं देखी है, मेरे गेम में भी एक बार कुछ ऐसी पोजीशन आ चुकी है, तो उसमें जो है ये, क्योंकि ये दोनों रुक बड़े दूर दूर हैं तो इनको अटैक करके मारा जा सकता है, तो लेट सी कैसे होगा ये। किंग E3 तक जा रहा है, फिर वापस वहीं आ जाएगा, F4 G4, क्वीन F8 चेक भी आ रहा है, क्वीन F8 से काम नहीं बनेगा, क्वीन F8 से काम नहीं बनेगा, पॉन B2 से भी काम, सॉरी क्वीन A5, यस 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 एब्सोल्यूट राइट। देखो आप लोगों को देख लिया तो अच्छा हो गया, क्वीन A5 से सिंपल जो है डबल अटैक हो गया। चलिए 2100 के करीब हम लोग पहुंच गए हैं, वेरी जल्दी। आपके सेजपाल जी वेलकम, अथर्व भी वापस आ गए लगता है, बी शिवदेवा कुमार, अरे बाप रे, बी शिवदेवा कुमार भी आ गए हैं, वेलकम। चलिए रोज आ जाए कीजिए, 9 बजे के करीब जो है हम लोग थोड़े फ्री होने के बाद ये काम करते हैं, सो यू आर वेलकम। और इसमें मुझे लग रहा है कि चेकमेट होनी चाहिए, सो चेकमेट करके बताओ और कैसे करें। क्वीन F4 हम चेक नहीं दे पा रहे हैं, क्वीन F4 चेक नहीं आ रही है, क्वीन E4 चेक आ सकती है, क्वीन F4 चेक आ जाती तो मजा आ जाता, बट रुक C8 हम कर तो सकते हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है करना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। रुक C8, क्वीन C8, देन क्वीन F4, किंग B1, देन फिर क्या करें, क्वीन E4, किंग A1 हो तो घुस जाएगा अंदर ही, अंदर चला जाएगा बंदा, अंदर चला जाएगा, क्या करें।
रुक, सीएट तो सही है, उसके आगे तो बताओ भाई, मैट तक तो कोई पहुंचता नहीं है, वहीं वहीं बताते रहते हैं बस। पीसेस की पोजीशन इक्वल है तो हमको ये नाइट ट्रैप करने का मौका भी है, हम चाहें तो इस नाइट को ट्रैप भी कर सकते हैं। ओके ओके ओके, नाउ आई अंडरस्टूड। बताओ भैया इसका आंसर। बी शिवदेव कुमार, जेएसके चेस स्ट्रीमर अथर्व। बार बार जो है मैसेज मत करो भैया। नहीं, रुक सी एट सही नहीं है, रुक सी एट सही नहीं है, रुक सी एट इज रॉन्ग आंसर। चलिए कुछ नए लोग मिले। बी शिवदेव कुमार ने सब्सक्राइब तो कर लिया, बट ये जो है दिख नहीं रहे हैं यहाँ पर मुझे जो है, मतलब सॉरी है, मतलब इनका अलर्ट नहीं आया, पता नहीं क्यों। मेरे पास यहाँ पे लेट आता है। काव्या शाह वेलकम। मेरे पास मैसेज यहाँ लेट क्यों आ रहे हैं? मयूरेश, अरे कहाँ गया वो मयूरेश, कहाँ गया वो भैया? अच्छा यहाँ पे पुराने मैसेजेस ही हैं आई थिंक, यहाँ पे लेट मैसेजेस आ रहे हैं। क्वीन एफिड सही नहीं है पांडे जी, ये बहुत अच्छी है लगता है, थोड़ा सा सोच के बताइए। द करेक्ट आंसर इज क्वीन F4। देखिए क्वीन पर अटैक था तो मारना फोर्स है। नाउ विल प्ले रुक C8 इंटरमीडिएट चेक और इसके बाद इसको मार लेंगे। फाइनली वी आर वन पीस अप, सिंपल। ओके, ऐसा ये नहीं होने का रीजन मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे को ना कभी कभी मेंटल ब्लॉक होता है, वी आर ऑलवेज थिंक अबाउट द चेकमेट, क्योंकि हम लोग वहां पे चेकमेट के लिए सोच रहे थे कि कैसे चेकमेट हो जाए, इसीलिए हम इसको करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही थी। अगर हम लोग वैसा नहीं सोचते तो ये बहुत ही आसानी से हो जाती। चलिए ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैट होनी चाहिए, ऐसा लग रहा है, देखते हैं। क्वीन F8 हो रहा है, देन किंग F8, रुक B8, किंग E7, देन क्या हो रहा है, बिशप F4, ये वो कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। रुक C3 नहीं हो रहा है, पॉन C5 नहीं हो रहा है, ये सब नहीं चलेगा। क्वीन E5 एक दिखाई दे रहा है यहाँ पे, क्वीन E5 को भी हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके, क्वीन E5 मेरे ख्याल से चल जाएगा क्या? D6 देन क्वीन C7, ये बचेंगे नहीं, ये थोड़ी तो डिफिकल्ट है आई थिंक, ये थोड़ी तो सी डिफिकल्ट है। चलिए सो मुझे तो ऐसा लग रहा है इसमें क्वीन E5 आंसर होना चाहिए, बट मैं आप लोगों को ओपिनियन लेना चाहता हूँ। क्वीन E5, व्हाट अबाउट दिस? हाँ, बदमाश सब्सक्राइबर अलर्ट है, वर्क नहीं कर रहा आई थिंक, बट मैं देखता हूँ एक बार ट्राई करके। देखो मेरे लिए दिखा रहा है बट आप लोगों के लिए नहीं दिखा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं है, आज मैंने लगा रखा था इसको, टेस्ट करके देखूंगा। अलर्ट तो दिखाई दिया पर अपने स्क्रीन पर क्यों नहीं आया अभी तक? हाँ आया आया आया, स्क्रीन पर भी आ गया, स्क्रीन पर भी आ गया। इसको भी थोड़ा सा सही कर देता हूँ, सही जगह रख देता हूँ OBS में, ये आई थिंक सही जगह नहीं है, इसको सही जगह रख लेता हूँ और एक बार जो है टेस्ट करके फिर से देख लेते हैं हम लोग, तो है अपने को सही पोजीशन इसकी पता चल जाएगी। बिल्कुल, चलिए ठीक है, आई थिंक ये ठीक वर्क कर रहा है, अच्छे से वर्क कर रहा है, दिखाई देगा हमको। चलिए यहाँ पे बताइए, क्वीन, व्हाट अबाउट द क्वीन E5? क्वीन B8 भी हो सकता है, यस एब्सोल्यूट राइट, क्वीन B8 इज आल्सो पॉसिबल। बिल्कुल, देखो द पॉइंट इज दैट कि क्वीन B8 अगर हम करेंगे सो ये क्या कर सकते हैं, क्वीन B8 में, क्वीन B8 इज आल्सो ओके। क्वीन B8 में आई थिंक ही कैन प्ले क्वीन इंटू D4, क्वीन इंटू D4 खेल लेंगे। सो पीस गया, पीस आया, बराबर बात हो गई, सो ये चलेगा नहीं। सो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर नहीं, रुक F7 नहीं चलेगा, तने गेमिंग विद तने नहीं चलेगा। क्वीन E5 इज द करेक्ट आंसर। पॉइंट ये है कि आफ्टर F6 वी विल प्ले क्वीन C7। अब ये चेकमेट कैसे बचेगा? बच ही नहीं रहा है, कोई चांस ही नहीं है बचने का। सो दैट्स व्हाई दैट इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ पर जो है अब हमें सही मूव चलनी है, अदरवाइज वी आर इन द ट्रबल। तो यहाँ तो जीन टू F4 सही चाल लग रही है मुझे, क्योंकि हमारे पास H4 का एक स्पेयर मूव है जो कि हमें यहाँ पर अपोजिशन लेने में हेल्प करेगा और हम लोग आसानी से जीत जाएंगे।
चलिए सो इसको कर देते हैं, वी आर नॉट वेटिंग फॉर इट, चेक है सो मारना ही पड़ेगा। सो किंग डी थ्री, द पॉइंट इज दैट कि ये जो एच फोर का ये जो मूव है ये हमको जो है हेल्प करेगा ये लेने के लिए, अपोजिशन लेने के लिए। तो हम लोग चाहें तो यहाँ भी कर सकते हैं एच फोर, और चाहे तो थोड़ी देर बाद भी कर सकते हैं। वॉट यू से, मेरे ख्याल से तो H4 कर देना चाहिए और ये सिंपल विनिंग हो जाएगा। सो H4 ही कर देते हैं, बिल्कुल देखिए सिंपल विनिंग हो गया। बिल्कुल यू आर एब्सोल्यूट राइट मंडल जी, और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ऐसी डिफिकल्टी लग रही है। देखिए तीन पॉन अगेंस्ट रुक जो है मोस्ट सिसिलियन डिफेंस में बहुत बार आता है। एक वेरिएशन हमारे सर बता रहे थे बहुत साल पहले, तो उसमें पॉन कुछ यहाँ पर था, कुछ इस तरीके से था, और बताए थे काफ़ी डिफिकल्टी आती, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है बहुत साल हो गए, इट इज़ अबाउट 26 ईयर्स। सो उस समय तो मैं उनसे क्लास भी नहीं लेता था, मैंने बहुत दूर से ये सब देखा था। सो वो सब चीज़ें मुझे याद रह गई हैं अभी तक। और यहाँ पर भैया जीतना है, कैसे जीते हैं, क्योंकि रुक चेक भी आ रहा है इधर से भी उधर से भी, क्या करें, पॉन को तो बचाना ही पड़ेगा। सो बताइए कि क्या किया जाए। मुझे लग रहा है डी फाइव खेलना तो फोर्स ही है, वी नीड टू थिंक आफ्टर दैट। सो डी फाइव तो कर ही देते, अरे गलत चाल हो गई, 13 पॉइंट चले गए, मर गए। चलिए ठीक है कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट किंग ही खेलना था आई थिंक यहाँ पर। व्हाट इज द करेक्ट मूव हियर, अच्छा इसमें तो चलना पड़ेगा ना, नहीं चलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ओके 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 ओके, अब तो सोचना पड़ेगा, डी फाइव से काम नहीं चला, डी फाइव गलत चाल हो गई। मुझे लग रहा है कि जी फोर मूव होना चाहिए, अरे बाप रे ये भी गलत चाल हो गई। अरे यार इतनी सिंपल मूव भी हम लोगों को दिखी नहीं। नहीं 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 नहीं, बी एट पॉन इज द करेक्ट मूव, ये ऐसा ही मूव, किंग को यहाँ ले आएंगे ना, पॉन जो है दोनों बढ़ रहे थे आगे। सो दो बार हमारे 13 पॉइंट चले गए, नहीं सॉरी एक ही बार 13 पॉइंट गए हैं। सो ये थोड़ा सा लॉस हो गया हम लोग के लिए, चले कोई बात नहीं है। इसमें कैसे करें, ये अब डिफिकल्ट डिफिकल्ट जो है आती जा रही है हम लोग के लिए। E3 चेक हम दे नहीं पा रहे, E4 हम चल नहीं पा रहे, क्या चलें। तो क्या करें भाई क्या करें, चलिए बिल्कुल ये मुझे लग रहा है इसका आंसर हमको मिल गया है। अरे यार बाप रे क्या हो रहा है, मुझे लग रहा है यहीं खत्म करना पड़ेगा, अब हम लोगों का दिमाग काम करना बंद हो गया। कैसे नहीं हुआ, मैंने सोचा था कि हम लोग नाइट F5 खेलेंगे, अगर ये किंग से मारते हैं सो E4 चेक देंगे, रुक से चलेंगे सो नाइट E3 चेक देंगे, अच्छा इसमें मार लेंगे ये, और ये किंग यहाँ से आके ड्रॉ कर लेगा, अच्छा गलत कैलकुलेशन हो गया। तो क्या करें फिर, अरे यार क्या बात, दिमाग ही काम नहीं कर रहा। पॉन टू D6, यस यस मंडल जी यू आर एब्सोल्यूटली राइट, पॉन टू D6 चलना चाहिए, सिंपल सी मूव थी। Now we can simply take this, मार सकते हैं, नहीं अच्छा इसको तो आगे बढ़ा सकते हैं, रुक पीछे ही जाना पड़ेगा, फिर उसको और बढ़ा देंगे आगे। नाइट E6 से चेक आ रही है, E6 चेक रुक मिलने की पॉसिबिलिटी, बिल्कुल यू आर एब्सोल्यूट राइट, बिल्कुल सही था वो। चलिए नेक्स्ट बताइए, चलिए वी आर अबाउट टू फिनिश करने वाले हम लोग, हम अपने टारगेट से थोड़ा 150 पॉइंट पीछे हैं लगभग, और इसके बाद वी आर गोइंग टू प्ले, और ये पोजीशन कुछ जानी पहचानी से लग रही है, और एज इटालियन गेम की जैसी पोजीशन लग रही है जिसमें मैट रुकती नहीं है वहाँ से। सो मेरे ख्याल से हम लोग क्वीन चल दें अगर यहाँ पर, तो मैट नहीं रुकेगी, इनको क्वीन देना पड़ेगा आई थिंक। दो तीन हमारी गड़बड़ हो गई है इस बार, पीसेस की पोजीशन भी देख लेते हैं थोड़ा सा एक बार। आई थिंक एवरीथिंग इज ओके, क्वीन H4 चल देते हैं, बिल्कुल चलिए ठीक है, क्वीन G4 करना ही था इनको। चलिए तो 30
28 पॉइंट मिल गए इसमें, जो हमारे पहले दो प्रॉब्लम्स में गए थे वो तो इसमें रिकवर हो गए। चलिए एक मिनट और बचा है तो ये लास्ट वाली कर लेते हैं, फिर हम लोग फ्री हो जाएंगे। इसमें क्या है, ये तो मैट हो रही है क्या? थोड़ी इंटरेस्टिंग है, थोड़ी सी तो इंटरेस्टिंग है। जी टू स्क्वायर पे इनका रुक रखा हुआ है और जी टू ई पे हमको इनको जाने नहीं देना है। किंग के लिए जगह बन जा रही है कैसे भी करके। एक मिनट में मैं आ रहा हूं, आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए। सॉरी सॉरी सॉरी, इसका आंसर मिल गया है क्या, थोड़ा बताइए। अब मैंने म्यूट करके गया था मैं यहाँ पर। रुक एच फोर देन रुक एच टू देन रुक एफ वन, मैट नहीं हो रही ना। द पॉइंट इज दैट कि किंग कैन कम हियर, मैट हो जाती तो बात बनी जाती। सो वी नीड टू कैलकुलेट मोर, थोड़ा सा और कैलकुलेट करना पड़ेगा तभी सही पता चलेगा। मुझे लग रहा है किंग को हम लोग नीचे बुलाते हैं, किंग को ना एच टू जी थ्री बुलाए तो बिशप एफ फोर चेकमेट हो सकती है आई थिंक। ओके यही सही मूव होगा। रुक इनटू सॉरी रुक एफ वन चेक पहले देते हैं, किंग को यहाँ इनवाइट करते हैं, देन ये चेक देते हैं, किंग यहाँ आएगा। देखिए ये चेकमेट हो रही है। सो चलिए ये बहुत अच्छा हो गया, 2186 अपनी रेटिंग हो गई फाइनली, और लगभग लगभग 100 पॉइंट हम लोग पीछे रह गए हैं। यस यस बी शिवदेव कुमार एब्सोल्युटली राइट, नाउ यू कैन चैलेंज मी। सो मैं यहाँ पे जो अपना आईडी आप लोगों को भेज देता हूँ। व्हाट इज माय आईडी, मुझे इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा अब आई थिंक। एक मिनट थोड़ा सा दीजिएगा, ये मोबाइल को मैं एडजस्ट कर लेता हूँ क्योंकि अब मुझे इसको दूसरी जगह रखना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए मेरा आईडी अब आप लोगों को मिलने वाला है। क्या हुआ यहाँ पे, एक मिनट। हाँ ये आईडी मेरा हो गया है, हो गया हो गया, मुझे लगा कि शायद नहीं आ पाया है इसीलिए मैंने जो है चेक कर रहा था उसको। चलिए सो ये मेरा आईडी है, नाउ यू कैन चैलेंज मी ऑन दिस। इसको मैं पिन कर देता हूँ तो आप लोगों को चैलेंज करना आसान रहेगा। कोई भी कुछ भी चैलेंज दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मेरी रेटिंग इसमें अभी 1500 ही होगी शायद। सो सोच समझ के चैलेंज दीजिएगा। आप रेटेड देना चाहते हैं, अनरेटेड देना चाहते हैं, बी केयरफुल, बट यू कैन गिव मी एनी काइंड ऑफ चैलेंज, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पहला चैलेंज आ गया हमारे को। सो लाइफ का पहला मैच शुरू होने वाला है, यहाँ पे कैजुअल है और यहाँ पे क्रिश के साथ हमारा मैच शुरू होने वाला है। ये चेस बोर्ड आज मुझे इसलिए रखने का मन किया, इसका कलर मैंने इसलिए चेंज किया क्योंकि इसी चेस बोर्ड से जो है
हम लोग अपनी चेस खेलते हैं रियल वाली, तो कुछ कुछ वैसे ही मुझे लुक लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो यार यही रख लेते हैं आज, नहीं तो मुझे वो वुडन वाला तो बहुत अच्छा लगता है हमेशा ही। मंडल जी यहाँ पे हम लोग का मैच देख रहे हैं, सो मंडल जी आप वहाँ से भी देख सकते हैं यहाँ से भी देख सकते हैं, दोनों चॉइसेस हैं आपके पास। देखो ये वाला मूव भी मैंने जो है ना बिना सोचे चल दिया, क्योंकि नाइट B5 इसमें आता रहता है कभी कभी, तो थोड़ा सा सोच रुक के चलना चाहिए था, बट मैंने ऐसा नहीं किया। सो ये अच्छी बात नहीं है, जस्ट आई वॉन्ट टू टेल दिस कि ये अच्छी बात नहीं है, वी नीड टू थिंक प्रॉपरली। सो नाइट E5 भी आने वाले हैं, तो इसको मार ही देते हैं, टेंशन ही ख़त्म कर देते हैं इसका। और बिशप B4 भी हम खेल सकते हैं, बट बिशप D6 ही खेल लेते हैं। लॉन्ग कैसल, अरे बाप रे, तो अब तो भैया दोनों साइड से अटैक होने वाला है। सो जो ये नहीं खेलना चाहिए था, जब आपने इधर किया है तो फिर ये इसको ओपन करने का क्या मतलब है, देखते हैं क्या होगा। आर या पार का मामला होने वाला है, क्योंकि कैसल हो गई है अपोजिट साइड में। अपोजिट साइड कैसल जब भी होती है तो अटैक बड़ा ज़बरदस्त होता है। यहाँ पे देखिए हमारा पॉन स्ट्रक्चर ख़राब होने वाला है, बट इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इनके पास पीसेस नहीं है, पीसेस नहीं है। अगर इनका रुख कुछ इस तरीके से आएगा तो बात बनेगी, बट इट विल टेक सम टाइम, और इतना टाइम हम लोगों के लिए काफ़ी होना चाहिए। सो चलिए तो पॉन टू F5 कर दूँ क्या मैं, ना ये भी चल सकता हूँ, बट इसमें इनको ड्रॉ व्रॉ मिलने लगेगा, तो इसको हटा देते हैं। ड्रॉ व्रॉ का चांस मिल रहा है उसमें, इसलिए वो मूव हमने हटा दी। और यहाँ पे भी F4 करना ही पड़ेगा, हालांकि ऐसे खेलने की कोई ज़रूरत नहीं थी, बट कर दिया तो कर दिया। बिल्कुल अब हमारी बारी है, इन्होंने तो जो करना था कर लिया, अब हमारी बारी है। सो क्वीन को A5 लेके जाते हैं, क्वीन को A5 लेके जाते हैं बिल्कुल, देन रुक को B4 भी लेके जाते हैं। अब रुक इनटू A4 हम करने वाले हैं व्हेनेवर वी गेट चांस। ऐसे में कभी कभी क्वीन C3 ब्लंडर हो जाता है, वैसे हम लोग बिशप A3 पहले कर लेते तो और अच्छा रहता। दैट वाज मच बेटर देन दैट, बिल्कुल। सो रुक को इधर डबलिंग कर लेते हैं, नाउ वी आर एब्सोल्युटली रेडी टू गिव सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस देने के लिए हम लोग का पूरी तरह तैयार है। रुक इनटू A4 में बहुत कंपनसेशन रहेगा, बट इन्होंने हमें करने नहीं दिया, तो ये अलग बात है। तो क्वीन A3 कर लेंगे, रुक C3 भी हम लोग कर सकते हैं। चलिए तो रुक C3 कर लेंगे, सॉरी रुक C4। नाइट B1 जाने की तैयारी कर रहा है, क्वीन A3 चेक ही देते हैं, हटाओ क्वीन A3 चेक ही देते हैं, किंग इधर आ गए तो ठीक है। थोड़ा सा तो सोचना पड़ेगा, अरे यार D4 सीधा ही मर रहा था, गड़बड़ हो गया, D4 तो सीधा ही मर रहा था, टाइम भी हम लोगों ने बहुत ले लिया, इतना टाइम लेने की जरूरत नहीं थी। चलो अब मौका मिल गया, इन्होंने भी शायद देखा नहीं या जानबूझकर के नहीं चला होगा, क्या होता है चलिए देखते हैं। खतरा दोनों ही साइड को है, बट अब हमारा F4 वाला पॉन प्रोटेक्ट हो गया, इट मींस वी कैन प्ले बिशप B4, ये चांस है हमारे पास, बट इन्होंने तो ऐसा कर दिया, ये क्यों किया भाई इन्होंने, तो भागने की तैयारी कर रहे हैं, तो पॉन तो मारो पहले। D3 भी कर लेंगे, क्वीन G4 पे आने वाला है इनका, फिर बाद में सोच लेते, अरे टाइम बहुत कम बचा है, टाइम बहुत कम बचा है, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है।
क्रिश 0-0 दिखा रहा है, मैं सोचा था 0-0 क्यों दिखा रहा है, बट 0-0 ही दिखाएगा वो। चलो ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही होने वाला था। और ये चेक भी आ रही है, वो चेक भी आ रही है, सो जल्दी कोई चेक देनी पड़ेगी अपने को भी, तो यही चेक दे देते हैं। टाइम ही नहीं बचा, ओ माय गॉड। टाइम इज वेरी वेरी लेस। चलिए ठीक है। अरे ये क्या हो गया, ये चेक देना था। ओ माय गॉड, F3 चेक, बहुत सारे चेक्स आ रहे थे, बट टाइम प्रेशर में अपने गड़बड़ कर दी। और अब तो अपनी मैट ही होने वाली है। सो पहला मैच चेस बेस इंडिया का गया काम से। बिल्कुल टाइम प्रेशर में ही खत्म हो गया। चलिए ठीक है, अथर्व इज देयर, प्रशांत इज देयर, प्रशांत ग्रेट चेस प्लेयर। 8-0 भैया, 8-0 मत लगाओ, नहीं तो बाकी लोगों को खेलने का कैसे मौका मिलेगा। बाकी लोगों को खेलने का मौका दोगे कि नहीं? क्रिश वेरी वेल प्लेड, वैसे पोजीशन बहुत ही खराब थी, बट मैंने बहुत सोच लिया, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। अभी बीच में हम लोगों ने 5 मिनट का गेम खेला ना, इसलिए थोड़ी सी आदत अपनी चेंज हो गई है, बट होप अब ठीक हो जाएगा। चलिए प्रशांत जी, चलिए देखें आप भी कैसा खेलते हैं। और कल मिस मत कीजिएगा, है ना, कल का मैं अभी बना दूंगा, सो कल मिस मत कीजिएगा। ओवरले इज नॉट फुल्ली राइट, क्या हुआ? ओके, अरे हम लोग तो गेम खेल रहे हैं ना। ठीक है ओके गेम खेल रहे हैं, यू आर एब्सोल्युटली राइट, तो इसको सही करना पड़ेगा। एक मिनट, इसको सही कर लेते हैं फिर खेलते हैं ना, तब मजा आएगा खेलने का। मुझे दिख ही नहीं रहा है, मुझे दिख ही नहीं रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इतना सब करने के बाद भी, अच्छा वही मैं बोला, इतना सब करने के बाद भी टाइम क्यों नहीं बराबर दिख रहा, तो टाइम अब दिखेगा बराबर। चलिए थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना पड़ेगा अपने को, एक मिनट दीजिएगा फिर आपके साथ खेलेंगे। आई थिंक अभी सभी कुछ ठीक होगा। ठीक है, टाइम भी दिख रहा है, टाइमर भी दिख रहा है, सो इट इज फाइन नाउ आई थिंक, और नाउ वी कैन प्ले। चलिए अच्छा हुआ आपने बता दिया जेएस के चेस स्ट्रीमर, नहीं तो हमारा ऐसे ही चलता रहता, पता ही नहीं चलता किसी को भी। चलिए प्रशांत जी सॉरी डिले हो गया थोड़ा सा, रेटिंग बहुत अच्छी है इनकी। अब पहला गेम हमारा रेटेड था क्या? अरे हम तो बहुत सारे पॉइंट मर चले गए, हमारे तो लगता है 400 पॉइंट चले गए। चलिए ड्रैगन खेलते हैं, ड्रैगन बहुत दिन से खेला नहीं है, एक इंटरेस्टिंग सी लाइन है, सो आई वॉन्ट टू ट्राई दिस। इन्होंने तो बिशप B5 खेल दिया, सो चलिए इनके पास भी इंटरेस्टिंग लाइन है, हमारे पास ही नहीं है, इनके पास भी है। चलिए तो कैसल वाला, शॉर्ट कैसल वाला आइडिया इन्होंने अपनाया है यहाँ पर, शॉर्ट कैसल वाला आइडिया इन्होंने चूज किया है। सी फाइल पे तो आ ही जाते हैं अटैक करने के लिए। अब देखते हैं क्या होगा, पॉन टू C3 किया इन्होंने, सो पॉन टू B5 कर लेंगे हम लोग। चलिए अभी इसको कर लेते हैं, नाइट C4 का आइडिया करते हैं सबसे पहले। नाइट C4 पे अगर पहुंचेगा यहाँ से यहाँ, सो इनको थोड़ी सी दिक्कत होगी आई थिंक, तो देखते हैं क्या होगा। सो किंग हटा लिया इन्होंने, अब ये F4 F5 की तैयारी कर रहे हैं कुल मिला के। नाइट D3 भी आ रहा है अपना, नाइट D3 क्वीन D3 एक्सचेंज करने से मैंने देखा है कि एंड गेम जो है ना ब्लैक के लिए काफ़ी अच्छा आता है। सो इसमें मैंने जो अपनी थ्योरी बनाई है वो यही है कि वाइट को ऑल आउट अटैक करना है, एंड गेम की तरफ नहीं जाना है। अगर वो एंड गेम की तरफ जाते हैं तो ब्लैक को जो है काफ़ी अच्छा प्ले मिलता है। चलिए देखते हैं क्या होता है। वैसे हम लोग एक्सचेंज भी कर सकते थे, फिर नाइट C4 खेल सकते थे, तो B2 और E3 दोनों जगह पे अटैक रहता, तो इनको बिशप
सी वन ही खेलना पड़ता तो ये हमारे लिए अच्छा रहता। सो ये एक आइडिया हम लोगों ने मिस कर दिया है। अच्छा पर इनके पास बिशप डी फोर भी है, बिशप डी फोर भी खेल सकते थे, ए सेवन भी अपना मर रहा था, तो कुल मिला के लगता है ये ठीक ही डिसीजन है। बट टाइम प्रेशर में ये डिसीजन लिया गया है। सो चलिए ठीक है, ये तो ठीक ही है हम लोग के लिए। डबलिंग कर लें, इनको रोक देते हैं पहले, पहले इनको रोकते हैं फिर देखते हैं। अब C3 को टारगेट करने का अपना प्लान है, बट इनके पास भी A4 दिख रहा है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है, ऐसे ही खेलना पड़ेगा और कुछ चारा नहीं है। इस पॉन को बाद में मारेंगे, पहले अपने पॉन को बचा लेते हैं। दोनों तरफ ही है, इनका बैक रैंक वीक है, सो मुझे लग रहा है कि हमें चांस मिलना चाहिए। जो वो एक चाल मिलेगी उससे हमारी जान बच जाएगी। आई थिंक कैजुअल गेम है, सो घबराने की कोई बात नहीं है। रजन अग्रवाल बिकॉज इट्स प्रोविजनल रेटिंग। ये नया अकाउंट बनाया है भाई, ये नया अकाउंट बनाया है, तो इसमें रेटिंग ऐसे ही रहने वाली है। जैसे जैसे हम लोग रेटेड गेम खेलेंगे तो रेटिंग बढ़ जाएगी। वेलकम श्रेयस। चलिए भैया, दोनों साइड ही बराबर होने वाला है जो कुछ भी होगा। मुझे लगा दोनों साइड बराबर होने वाला है, बट ऐसा नहीं है, इनकी साइड ही ज्यादा होने वाला है। F4 से चेकमेट हो सकती है हमारी, और इसको बचाने का कोई भी तरीका अभी तो नहीं दिख रहा है। चलिए सो ऐसा ही करते हैं, ऐसा ही करते हैं, देखते हैं क्या होगा। पोजीशन तो ठीक नहीं है, पोजीशन डेफिनेटली इन्हीं की बेटर है, क्योंकि ये हमारे ऊपर बहुत सारी चेकमेट्स लगा सकते हैं जो कि हम इनके ऊपर नहीं लगा सकते। सॉरी, प्री मूव हो गया था। दोनों तरफ से मैच हो रही थी। ये अकाउंट अच्छा नहीं है लगता है, ये केवल जो है उसी के लिए अच्छा है, और इसमें एक भी गेम नहीं जीत रहे हम लोग, क्या हो रहा है आज। चलिए सो एक लास्ट गेम, नहीं लास्ट नहीं, इसके बाद थोड़ा सा समय और है, सो वी कैन प्ले मोर गेम्स। चलो ये गेम तो जीतना ही है कुछ भी हो जाए, ठीक है। नहीं वो रेटेड नहीं था एक्चुअली, ये प्रोविजनल रेटिंग है, 1100 से शुरू हो गई है। इसके पहले आई थिंक 1500 से शुरू होती थी ये। चलिए सेजपाल जी जल्दी चलिए। हाँ जी चलिए सेजपाल जी, आजकल ये खेलते रहते हैं। चलिए सो नाइट F3 नाइट F6, ये कुछ नया खेला है, इसके पहले C4 खेल रहे थे, या तो मेरे ख्याल से सुधांशु खेल रहे थे कि ये खेल रहे थे, पता नहीं है। C2
मेरा तो ये निकल चुका है, सो आई कैन प्ले बिशप f5। कुछ ट्रैप होगा तो पता नहीं, मुझे याद नहीं है सही से, बट आई थिंक ये मूव ठीक होनी चाहिए। एक मूव गेन हो गई विच इज वेरी गुड थिंग। शेषपाली जी सोच रहे हैं, वैसे नॉर्मली क्वीन b3 खेलते हैं, वैसे क्वीन c8 वाली चेकमेट होती है जो कि मैंने एक दो बार शायद बताई भी है, उसमें अपने एक ट्रैप मैंने बताया था उसमें बताई थी, बट यहाँ कुछ भी नहीं होने वाला, यहाँ तो मैं निकल भागूंगा आराम से निकल भागूंगा मैं। ये ज़्यादा बढ़िया इसीलिए लग रहा है क्योंकि ये क्वीन का ये वाला रास्ता जो है बंद हो जाएगा, सो सब बंद कर देते हैं इनका रास्ता, आने जाने का रास्ता ही बंद कर देते हैं इनका, कहाँ जाएंगे इनसे पूछ लेते हैं। चलिए सो आई होप ये पोजीशन काफी ठीक है, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए इसमें। इनके ऊपर और प्रेशर डालते हैं, ये गेम जीतना है क्योंकि हम लोग अपने प्रीवियस दो गेम हार चुके हैं ऑलरेडी। नाइट c3 वी कैन डू, सॉरी नाइट g5 हो रहा है, नाइट g5 ही कर लेते हैं भैया, सिंपल ही काम कर लेते हैं, काहे को पंगा लें, और इस a पॉन को बढ़ाना शुरू करते हैं। bg4 क्वीन इंटू सॉरी बिशप इंटू e6 करने वाले हैं आई थिंक ये, टाइम का भी ध्यान रखना पड़ेगा, टाइम से ही हमारे को गड़बड़ हो गया दो चार बार तो। खेल लेता हूं इसके पहले कि ये मारे, हम लोग अपना डिफेंस कर लेते हैं। आई थिंक ठीक ठाक ही चल रहा है, ये नया अकाउंट मैंने अभी अभी तो बताया कि यही है जो अभी अभी बताया, चेस बस इंडिया के नाम से नया अकाउंट बना लिया है। उन्होंने फिर भी सेक्रीफाइस कर दिया भैया, भाई तो हम लोग कैसल भी कर सकते हैं यहाँ, बट इसमें कोई रिस्क मुझे तो दिखती नहीं है क्योंकि कोई भी चेक नहीं आ रही है। निकाल लेते हैं सारे पीसेस को, तो निकाल ही लेते हैं बाहर, फिर देखते हैं क्या करना है। मेरे को भी रुक इंटू g3 करना पड़ेगा, बहुत हो गया। पोजीशन मुझे लग रहा है एकदम विनिंग है, क्या आप हम लोग एक रुक अप है, क्या बचा है इसमें पता नहीं है, ठीक है बट इनको खेलने देते हैं। पॉन टू e4 कर दिया इन्होंने, ये एक इंटरेस्टिंग चाल हो सकती है क्या। टाइम का ध्यान रखना पड़ेगा,
टाइम का ध्यान रखना पड़ेगा। अरे ये क्या हुआ? ये चेक कैसे आ गई फालतू में? अरे बापरे, बच गए। चलो ये तो सीधे ही मर रहा था, सीधे मर रहा था। बहुत चांस दे दिया इनको मैंने, इतना चांस देने की कोई जरूरत नहीं थी और टाइम भी हमारे पास कम हो गया। ये तो भला हो इनका कि इन्होंने इंक्रीमेंट रखा है, नहीं तो बहुत मुसीबत में आ जाते हम लोग। बहुत गड़बड़ हो रहा है। टाइम प्रेशर में बहुत गड़बड़ हो रहा है। अरे क्वीन इन टू ईस, आज अपनी किस्मत अच्छी नहीं है भैया। तीसरा गेम खेल रहे हैं हम लोग और इतना विनिंग गेम जो है, अब हम लोग हारने वाले हैं थोड़ी देर में। ये तो हमारी चेकमेट ही करने वाले थे यहां से आई थिंक। बाप रे, मुझे तो कुछ सूझ नहीं रहा, चेकमेट हो गई लगता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आज का दिन अच्छा नहीं है भैया। तीन गेम खेले, तीनों हार गए, इसलिए हम लोग जो है अपनी स्ट्रीम यहीं एंड कर देते हैं। चलो एक गेम देख लेते हैं। मैंने सोचा था ये गेम तो जीत जाएंगे, ये गेम भी नहीं जीत पाए, जीता हुआ गेम भी नहीं जीत पाए। उल्लू उल्लू सब आ गए हैं भैया, अब तो बहुत अच्छा लग रहा है। केजे भी कोई दिख रहे हैं, केजे। चलो ऊपर वाले का ही गेम ले लेता हूँ, चेस किंग। इनकी रेटिंग कम है, हमारी तो 1100 ही है अभी। अरे रेटिंग बढ़ेगी कैसे भाई, रेटेड गेम खेलने पड़ेंगे कुछ। चलो आप लोगों के साथ, नहीं तो किसी और के साथ। अरे मैंने सोचा बहुत आराम से जीत जाएंगे, कुछ भी नहीं था उस गेम में, पर देखिए लास्ट में कैसी कैसी गड़बड़ हो गई और जो है हमारी हमारी चेकमेट हो गई। उनकी होनी थी, हमारी हो गई। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, होता रहता है, प्रैक्टिस ही हो रही है यहाँ पर। बट मुझे लग रहा है कि ओवरऑल आज मैं अच्छा नहीं खेल रहा हूँ, सो मेरे को थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी अपने आप पे। A6 ही खेल देता हूँ, B5 ही खेल देता हूँ, कुछ ऐसे ही करना पड़ेगा उल्टा पुल्टा। E4 देखो, नाइट BD7 करेंगे तो मार लेंगे इसको, ये चाल है इनकी तो। चलो ठीक है, ऐसा खेल लेते हैं। पॉन E6, क्या आज तो खेल ही नहीं पा रहे भाई। पॉन E6 खेलना चाहिए था, ये तो फिर आप पूरा फुल डिफेंसिव खेलने वाले हैं। चलिए ठीक है, फुल डिफेंसिव चेस, नो अटैक्स अटैक इट ऑल। BG5 नहीं चलते हैं, चलिए ठीक है, नहीं चला। मुझे लगा कि BG5 भी चल सकते हैं। मैं
दिख नहीं रहा, देखो E5 मर रहा था, दिख नहीं रहा है, लगता है मैं बहुत थक गया हूँ भैया, अब कल खेलेंगे, अब मुश्किल लग रहा है मेरे को तो खेलना। आई एम अच्छा काव्या चेस, ओके ओके के जे। अरे एक ही मैसेज बार बार मत कीजिए काव्या चेस, नहीं तो क्या होगा कि ये आपको जो है टाइम आउट कर देगा, बदमाश है ये, नाइट बोट इज वेरी बदमाश, बदमाश बोट है ये। बदमाश बोट, नाइट बोट इज बदमाश बोट। अरे यार क्या हो रहा है, बदमाश बोट, बदमाश बोट। बदमाश बोट है, बदमाश बोट, नाइट बोट इज बदमाश बोट। A4 कर दूं क्या, को बोलता हूं तुम ही करो। अरे बाप रे टाइम प्रेशर इसमें भी आ गया, ओ माय गॉड। ओ माय गॉड 3 मिनट के गेम है, इसमें इंक्रीमेंट नहीं है। अरे रे, रे। चलो बच गए, इंक्रीमेंट ही नहीं था उसमें, इसके पहले इंक्रीमेंट था, ये तो गड़बड़ हो जाती है। के जे अथर्व इज ऑल्सो देयर, अथर्व के साथ खेल लेते हैं। चलिए आज हमारी पजल की तो कंपटीशन अच्छी हुई, बट इसी में थोड़ी गड़बड़ हो गया, पहला गेम फाइनली जीते,
अच्छा इनको जाना भी है, मैंने देखा नहीं था आपका मैसेज, बट मैंने आपको रेंडमली ले लिया। चलिए अब खेलिए, तो ले तो लिया। ये चाल बहुत सारे प्लेयर खेलते हैं। बिशप बी फाइव, ई सिक्स तो कर लेते हैं भैया, इसको सपोर्ट कर लो, मर जाता नहीं तो कभी कभी। अभी तक तो सब कुछ ठीक है। बिशप ई थ्री, अरे ऑटोमेटिक हो गई वो चाल, मैं चलना नहीं चाहता था। अरे बाप रे, सेकंड टाइम ऐसा हो गया। अब कुछ कुछ ठीक लग रहा है, अब कुछ कुछ ठीक लग रहा है। डबलिंग, ऐसा लग रहा है मेरे को कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। अरे मैं आई थॉट कि चेकमेट हो रही है, चेकमेट तो हो ही नहीं रही थी उधर। सब समझ रहा हूं मैं, सब चालें आ रही है ना, सब मेरे को समझ में आती हैं। अथर्व बाबू चाल है ना, कुछ गड़बड़ गड़बड़ लग रही है लगता है।
अरे यार क्या हो रहा है, क्या बात है अथर्व बाबू, बड़ी जबरदस्त चालें चली हैं। अकाउंट बेकार है, इसमें खेलना ही नहीं है। चलिए राहुल, बहुत दिनों के बाद आए हैं, क्या बात है राहुल। सिन्हा जीएम लगा रखा, श्रेयांश सिन्हा ने। वी कैन ट्राई। वी कैन ट्राई। ये हमारा पहला रेटेड गेम है आई थिंक। अरे बाप रे, अगर इनके साथ कुछ गड़बड़ हो गया तो इनकी तो बहुत सारी रेटिंग चली जाएगी यार। ये तो ठीक नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। बैट बिशप वर्सेस गुड नाइट होना चाहिए, पर देखते हैं क्या होता है। बैट बिशप वर्सेस गुड नाइट होना चाहिए, देखते हैं क्या होता है। ये थोड़ी गलत चाल हो गई आई थिंक इनसे। रियासो जी आई एम वेरी सॉरी, मैं आपकी रेटिंग नहीं लेना चाहता, बहुत सारी रेटिंग आपकी डाउन हो जाएगी। आपने रेटेड क्यों लगाया भाई 1100 रेटेड प्लेयर के साथ। फाइव मिनट का खेलते हैं काव्य, प्लीज प्ले विद मी सर, वन आई हैव टू गो। ओके आई विल प्ले विद यू आर एन, आई वांट टू प्ले विद यू, प्लीज एक्सेप्ट माय गेम। ठीक है भैया, सबके सबका एक्सेप्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। ऐसा होने वाला था, बट मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है अंदर से कि इनकी चेकमेट हो सकती है। आई एम गोइंग टू डू दिस। श्रीवास्तव जी मैं आपकी, अरे आपने रिज़ाइन ही कर दिया, मैं रिज़ाइन करने वाला था, मैं नहीं चाहता था कि आपकी रेटिंग पॉइंट चले जाए। 7 ही पॉइंट गए आपके, ये तो ठीक रहा, 7 पॉइंट गए, ये ठीक रहा। मुझे लगा कि बहुत सारे 100 150 ना चले जाए, मेरे को यही डर लग रहा था श्रीवास्तव जी। सो मैं जो है खुद रिज़ाइन करने वाला था ताकि आपके उतने पॉइंट्स ना जाए, तो मेरे तो 700 पॉइंट्स बढ़ गए, ये बहुत अच्छी बात हुई।
मेरे को बहुत मतलब डर लग रहा था कि कहीं आप हार ना जाएं। मैं इनके साथ खेल लेता हूँ, काव्या के साथ, क्योंकि इनको जाना है। इनके साथ पहले खेल लेता हूँ, फिर अनिर्बन आप भी खेलिएगा, जीएम श्रियांश, फ्रेंच डिफेंस, हम लोग पहले खेल चुके हैं आई थिंक। अच्छा है, पर इस अकाउंट में पता नहीं चलेगा, इस अकाउंट में कुछ पता नहीं चलता है। लास्ट वाला गेम काफ़ी गड़बड़ हो गया, उसमें गुड बिशप वर्सेस बैड बिशप क्लियरली था। एलकाइन की फेवरेट मूव है ये, अरे अनिर्बन मुंडल नाइट, ये क्या खेला इन्होंने। चलो कुछ ऐसा खेल के देखता हूँ। पता नहीं सही होगा कि नहीं होगा, आज मेरा मन कर रहा है तो मैं सोचा चलो ऐसे भी खेल के देख लेता हूँ। आई रियली डोंट नो कि वो सही होगा कि नहीं होगा। बहुत साल पहले मैंने ये पॉन बचा के गेम जीत लिया था, बहुत अच्छे से ऐसे करके जो है ये आ गया था इधर, अब बड़ा मजा आया था उसको देख के। इसको तो बचा ही लेते हैं, आई थिंक दिस पॉन इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन C5। और सबसे खास बात है कि इनकी हमने कैसल स्टॉप कर रखी है, ये कैसल नहीं कर सकते, क्योंकि इस मूव में अगर इनको कैसल करने मिल जाता तो ये तो बहुत खुश हो जाते, तो इनको कैसल नहीं करने दी थी, यही एक रीजन था। टाइम देखना, 3+2 है, ठीक है। ट्राई करते हैं, कभी कभी मैं ऐसे उल्टे सीधे काम भी करता रहता हूँ। अरे ये क्या खेला, ऐसे उल्टे सीधे काम करने में मजा आता है। आई वॉन्ट टू टेस्ट प्लेयर्स के क्या करते हैं वो लोग, मेरे को अच्छा लगता है कुल मिला के, ऐसा करने में ना मुझे बहुत मजा आता है। नाइट E5 तो चल ही लेते हैं। ओपनिंग रूल्स को बहुत ही हम लोग तोड़ मरोड़ रहे हैं, बट मेरे ख्याल से तो एवरीथिंग इज ओके, क्योंकि यहाँ पर जो है ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं हाल फिलहाल तो। और बहुत ही जल्दी ये A5 करेंगे, सो A5 का इंतजाम कर लेते हैं हम लोग। A5 B6 ऐसा कुछ कुछ करेंगे ये, और ये हमें नहीं करने देना है उनको। A6 किया इन्होंने, मैं सोच रहा था कि ये शायद A5 करेंगे। अब 4 vs 2 है इधर, इधर है 3 vs 4, और देखते हैं क्या होगा। अगर सब कुछ एक्सचेंज हो जाए, रुक भी एक्सचेंज हो जाए, तो मुझे लग रहा है कि 4 vs 2 की मैं बड़ा मुश्किल होगा इनको डिफेंड करना। मार सकते हैं हम लोग ये A1 तो कवर है, A1 square ऑलरेडी कवर्ड है, सो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अपना टारगेट एक ही लग रहा है कि एक्सचेंज कर लो भैया, सब सब कुछ एक्सचेंज कर लो। अब 3 vs 1 है, बहुत डिफिकल्ट होगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट।
स्ट्रेटेजिकली तो ये पोजीशन विनिंग है, बट आज मेरे मैं अच्छा नहीं खेल रहा हूँ, आपने देखा होगा, तो देखते क्या होगा। रुक ये क्या चाल है, आई थिंक इन्होंने सोचा होगा कि मैं किंग बी टू खेलूंगा, बट इनका डी सेवन बहुत ही वीक है, डी सेवन वीक है, सी सिक्स वीक है, कहाँ कहाँ तक बचाएंगे। अब पॉन टू एफ सिक्स करना इनके लिए फोर्स्ड है, ये गलत चाल खेली है इन्होंने। वहाँ पे फोर्स था इनको कि पॉन टू एफ सिक्स कर लें, अब इनको चाल ही नहीं मिलेगी चलने के लिए थोड़ी देर बाद। कैसा है, सिंपल सा कॉम्बिनेशन था, एक बहुत ही सिंपल सा कॉम्बिनेशन था। कौन रह गया है, जीएम श्रीनाथ श्रियांश सिन्हा, आई विल गिव यू टफ फाइट, यस यू कैन, व्हाट इज योर आईडी, श्रियांश सिन्हा राहुल के साथ तो खेल, राहुल सॉरी बच गए, बट आपकी रेटिंग ज्यादा नहीं गई। ठीक है कैजुअल, पांच मिनट का गेम रख ले, पांच मिनट का बहुत लेट हो जाता है। ट्राई करके देखते हैं, कुछ करते हैं, कुछ उठपटांग, बिना इसके तो चैन कहाँ आएगी। श्रियांश सिन्हा की रेटिंग है 1983, देखते हैं क्या होता है। बहुत रात हो गई है, बाय बाय बाय, मैं भी बस ये लास्ट गेम खेलने वाला हूँ, फिर मैं भी फिनिश करूंगा, सो बाय बाय ऑल ऑफ यू। 3+0 ठीक है, कैजुअल ही है वो, कैजुअल रखा है इसलिए दिक्कत नहीं होगी, कैजुअल टाइम कंट्रोल है। जानबूझ करके कैजुअल रखा गया है ताकि ये रेटिंग वाला दिक्कत ना हो। चलिए सो एक पीस तो मिल गया हमको, आगे देखते हैं क्या होगा। सोचा नहीं था ये F4 खेल देंगे मैं सोचा था बिशप D3 कुछ जाएंगे शायद। चलिए ये अच्छा काम किया इन्होंने कि ये एक्सचेंज कर लिया, अब अपने को दिक्कत नहीं होगी, ये और अच्छा काम किया।
गुड वर्क डन बाय हिम, अब हमें दिक्कत नहीं होगी। B7 जरूर मर रहा है, सो इसको बचा लेते हैं एक बार। यो मार दिया इन्होंने, तो सोचा नहीं था मैंने। भागो भैया, ये लो भाई आपकी इच्छा पूरी कर देते हैं। पॉन बहुत सारे मर गए आई थिंक हमारे, सो ये एक टेंशन वाली बात है। रुक है अपने पास और इनके पास कुछ पॉन्स हैं, देखते हैं क्या होगा। मुश्किल तो लग रहा है। बहुत हो गई मस्ती, मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ गड़बड़ ना हो जाए मस्ती के चक्कर में। अयो चलिए ठीक है, एक पिक तो दे देते हैं इनको। इस मूव में कोई खास बात ही, 5 मिनट का गेम रखा है इन्होंने भी। ये शायद आप कल खेलेंगे, 11 बज गया है। आप मेरे को ना कल चैलेंज कर लीजिएगा मॉर्निंग में, ठीक है। सो अब हम लोग बंद करते हैं, गुड नाइट।